अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहि भागवतं स्वरूपं जग प्रवजन्तमन्वेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान तुस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसति गौरभक्त वृंद सभी को हाथ उठा कर बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रभुष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रभुष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सर्ज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजुक्त प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे कृष्ण मथुरा में तो अंश रूप में प्रकट हुए लेकिन पूर्ण रूप में कृष्ण गोकुल में श्री नंद के लाला बन करके प्रभु जन्म हुए। इसलिए हम कहते हैं नंद के आनंद भयो। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण कैसे गोकुल में जन्म हुए। अभी शंकर जी को ये बात पता चला कृष्ण गोकुल में जन्म हुए। शंकर जी ने देखा मैंने प्रभु का सारे अवतार हमने देखा है लेकिन वो अजन्मा होते हुए भी नंद के लाला बन करके कैसे गोकुल में प्रभु जन्म हुए। अगर भूख लगते तो प्रभु क्या करते हैं रोते हैं फिर मैया जसोदा उनको दूध मिलाती विश्व ब्रह्मांड जिनका नाम लेकर के भवसागर से पार हो जाते हैं लेकिन कृष्ण को मैया जसोदा अंगुल पकड़ करके ठुमुक ठुमुक करके प्रभु को चलाना सिखाती है। कभी ये लीला तो हमने देखा कभी देखा ही नहीं। तब शंकर जी स्वयं बड़े सुंदर श्रृंगार करते हुए आते हैं। शंकर जी का श्रृंगार क्या है हम कहते हैं ना सत्यम शिवम लेकिन शंकर जी को तो सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। लेकिन शंकर जी का जो ऊपर का जो ड्रेस देखना वो बड़े असुंदर लगते हैं बड़े अभद्र हैं। शंकर जी कोई बेली चमेली जुई केतकी मालती कोई बढ़िया फूल ठाक शंकर जी के सर पर नहीं चढ़ता है। ऐसे फूल चढ़ता है जो वृक्ष का कोई नहीं लगाता बड़े जहरीले धदुरे और आतन जो पेड़ कहीं कोई नहीं लगाते अपने आप जंगल में हैं। बोले क्यों शंकर जी बढ़िया फूल धारण नहीं करते हैं कहते जितने सुंदर सुंदर फूल तो मेरे प्रभु की सेवा के लिए कृष्ण राम की सेवा के लिए मैं तो उनका सेवक हूँ इसलिए जो वृक्ष को कोई नहीं लगाते वही फूल ही ग्रहण करूँगा। इसलिए शंकर जी चंदन कर्पूर अगुर नहीं लगाते शरीर में क्या लगाते हैं बहुत ही हैं। बोले ये सारे चंदन क्यों नहीं लगाते हैं बोले अगर मैं चंदन लगाऊंगा ना फिर मेरे प्रभु की सेवा में कमी हो जाएगी सब ला करके चंदन मेरे सर पर डालेंगे ये चंदन सुंदर सुगंधी वस्तु तो मेरे प्रभु कृष्ण सेवा में लग गई क्योंकि शंकर जी ये वैष्णवानाम यथा संभो ये भगवान के सबसे प्यारे भगत श्री भोले बाबा है। इसलिए देखना भगवान के हर अवतार में शंकर किसी ना किसी रूप में आते हैं
जब वो शंकर राम रूप में आए भगवान राम शंकर जी श्री हनुमान रूप में शंकर जी आते हैं, जब कृष्ण रूप में आए शंकर जी गोपीश्वर महादेव रूप में शंकर जी आते हैं, फिर जब चैतन्य महाप्रभु का रूप में आए, अब बताओ शंकर जी कैसे आ गए, शंकर जी किस रूप में आए, शंकर जी बोलो किस रूप में आए, आप किसको बताएंगे किस रूप में आए, कहते श्री अद्वैत आचार्य रूप में आए। याद रखना ये अद्वैत आचार्य ये स्वयं श्री सदा शिव श्री ये अद्वैत आचार्य है, इसलिए भगवान की हर लीला में शंकर जी आते हैं। इसलिए शंकर जी ने देखा प्रभु का लीला हमको थोड़ा मैं दर्शन करके आता हूँ, जब शंकर जी श्रृंगार करके आए, लेकिन कुछ दिन पहले कौन आ गए तो पूतना आ गए, इसलिए नंद बाबा गए थे, नंद बाबा तो अभी तक नंद बाबा राज का बच्चा ए बच्चा बात करना तो कुछ बैठ के बात करो, सामने बैठ कर बात नहीं करना, चुपचाप यहाँ बैठो और सामने कोई बच्चों को लेकर मत बैठा करो, कितने बच्चों को लेकर बैठना सब पीछे बैठना ठीक है, दो बार जैसे मेरे को बोलना नहीं पड़ेगा। इसलिए जब शंकर जब कृष्ण नंद बाबा राज कार्य में बड़े उदास रहे थे, सोच रहे थे पैसा किसके लिए कमाऊं, बेटा तो है ही नहीं, मरने का बात तो कोई है ही नहीं, वो बड़े उदास भी थे, लेकिन जब नंद के लाला आए नंद बाबा तो तरह तरह का चिंता में डूब गए, लाला बड़ा होगा, शादी होगी, घर में बहू आएगी, फिर नाती पोती होएगी, इसलिए बड़े दिन से उन्होंने कान नहीं दिए थे, बड़ा राजा उस समय था कंस, लेकिन बड़े दिनों से वो कर नहीं दिए, लेकिन जब कृष्ण जन्म हुए बोले भैया शुभ काम में बड़ा बाधा है, पर ये दुष्टों का मुंह को बंद करो, नंद बाबा कर देने के लिए गए, कहाँ गए थे, मथुरा में कंस को, इतने में जब कंस को कर दिए तब श्री नंद बाबा कर देकर के वसुदेव से मिले, क्यों वो भाई लगते हैं, लेकिन वसुदेव गुप्तचरों से खबर ले रहे थे आगे का क्या प्लानिंग कंस का, लेकिन उनको पता चला कंस ने पुतना को भेज दिया, इतने में वसुदेव महाराज नंद बाबा को बोले, बोले नंद तू चलती चलती तू चले जा गोकुल में, हो सकता है कुछ अनहोनी हो जाए, क्यों पता है पुतना गई, सचमुच से जब नंद बाबा आए ना देखा पुतना आ गई थी, बड़ी सुंदर ठंड बन करके आई थी, लेकिन निकली क्या राक्षस ये निकली है, राक्षस निकली, इसलिए श्री नंद बाबा ने बोले देखो एरे गेरे व्यक्तियों को घर में घुसने मत दिया करना, अगर कोई आए ना मेरे नहीं तो यशोदा से आदेश लो फिर नंद भवन में घुसने दो। अभी श्री शंकर जी आ गए, वो देखने में बड़े भयंकर है, गले में सांप बिच्छू लटक रहा है, बहुति लगाए हुए जटा जुड़ धारण किए हुए, शरीर में सर्वत्र सांप ही है, ये अनंत देव है, अपना गुरु जी को ये भूषण रूप में धारण करके रखे, शिक्षा देते हैं शरीर में भूषण लगाओ ना सोने चांदी नहीं, वो मरने से पहले सब निकाल कर ले जाएंगे, लेकिन भूषण बनाओ तो गुरु जी की उपदेश को ही भूषण बना करके रखो जिसको द्वारा तुम्हारी संसार से पार हो जाए। इसलिए शंकर जी को देख करके वहाँ पर एक कोई गोपी थी, शंकर जी ने कहा मैंने सुना नंद के लाला भयो है, बोले नंद का लाला भयो तो तेरा कहा भयो है, बोले थोड़ा लाला को दर्शन करा तो बोले बाबा कुछ दिन पहले पूतना आ गई थी, वो तो बड़ी सज करके आई थी निकली राक्षसी, तू तो देखने में वैसे लग रहे हो, तेरे को तो देख करके मेरी जी घबरा रहा है, और लाला का भी छोटो सो बड़े जल्दी लाला में नजर लग जाती है, कोई लाला फैला के दर्शन नहीं होएगा। उसने जा करके मैया जसोदा को बोल दिए, बोले बाबा मैया कोई एक बाबा आया कहता है लाला को दर्शन कराओ, भैया देख कर मेरे हैं मेरा तो धड़कन तेज हो गया, भैया जा करके देख, सचमुच से जब मैया आई और शंकर जी को देखा है ना मैया तो डर गई, बोले बाबा क्या चाहिए, बोले लाला को थोड़ा दर्शन करा तो बढ़िया आशीर्वाद दूंगा, बोले बाबा कुछ दिन पहले पूतना आ गई तू तो देखने में बेच लग रहे, लाला को बड़ी जल्दी नजर लग जाता है। अभी शंकर जी सोच रहे हैं देखो ये कहते हैं लाला को नजर लग जाती है तो पता नहीं ये लाला है, तो बोले बढ़िया आशीर्वाद दूंगा तेरे लाला को,
बोले आशीर्वाद की जरूरत नहीं, सोना चांदी जो लेना लो, अपना रास्ता देखो। मैया तो कन्हैया को घर में छुपा दी, शंकर त्रिशूल गाड़ करके वहीं पर बैठे रहे। ले जब तक लाला को दर्शन नहीं कराओगे ना, तब तक यहाँ से नहीं हटने वाले नहीं। कहते तीन दिन तक शंकर जी बैठे रहे। लेकिन कृष्ण बड़े भक्तवत्सल है। शंकर जी बोले प्रभु बड़े दूर से मैं आया हूँ, तेरे सारे लीला तो दर्शन किया, लेकिन ये बाल गोपाल रूप मैंने देखा नहीं, एक झलक दर्शन करा दो। इतने में कृष्ण रोना प्रारंभ होगी। मैया जितने थपथप लगाए उतना जोर जोर से रोए, पूरा परिवार परेशानी हो गए। आज क्या हो गया लाला को, ये रोना क्यों बंद नहीं हो रहा है। एक गोपी ने कहा मैया जो बाबा है ना वो वहीं पर चुपचाप बैठे हुआ आंख बंद करके, लग रहा है लाला को पर कोई जादू टोना कर रहा है, इसलिए जाओ लाला को दर्शन करा के आओ। मैया मोटी मोटी काजल लगा दी, काजल का बूंद सर पर लगा दी, फिर काले कपड़े से ओढ़ करके बड़ी कष्ट से लेकर के आई। बोले बाबा तू बड़ा अक्कड़ है, ले दर्शन कर। जब उन्होंने एक झलक दर्शन कराए, इतने में कृष्ण तक खिलखिला कर हंसने लगे, और शंकर जी जो हंस रहे थे ना रोने लगे। मैया समझ गई कि बाबा कुछ जानता है, क्यों लाला का तो रोना ले लिया और अपना हंसना लाला को दे दिया, मतलब ये कुछ जानता है। अगर माताओं को पता चले ना कि कोई जादू टोना हाथ फेंकना जानता है, सब घेर जाते हैं। बोले बाबा मेरे हाथ फिरा दे। अभी बाबा को घेर गए सब के सब। बोले बाबा तू कोई जादू टोना जानता है कि ना क्या। बोले हाँ भैया जादू टोना जानता हूँ, पर मेरे लाला के ऊपर में बड़ी जल्दी नजर लग जाती है, बताओ क्या करते। बोले एक काम करना, लाला का जब स्नान कराओगे ना वो स्नान का पानी ला करके सर पर डाल देना। बोले बाबा कर लूंगा, क्यों शंकर जी को सबसे प्यारा क्या है, भगवान की चरणा मिलता है। इसलिए शंकर जी जब गंगा इसी पृथ्वी पर आई, शंकर जी अपना जटान धारण किया। आप लोग देखे होंगे कावेरी लोग कंधे पर लेकर कितने दूर तक चल चल कर, कहाँ से गंगोत्र से चल चल कर पारी पांच दिन में आकर के गंगा पानी कहाँ डालते हैं, शंकर जी सर पर। क्यों, ये गंगा कौन है, ये भगवान की चरणामृत है। जब वामन देव का एक चरण उन्होंने ब्रह्मांड कटाव को भेद करते हुए गया, उसी समय श्री ब्रह्मा जी उनकी चरण को अभिषेक करके अभिषेक का पानी उन्होंने कर्मंडल में रखा था, वही श्री पतित वामन गंगा है। बोले श्री गंगा देवी की जय। जोर से कर लगाओ, बोले श्री गंगा देवी की जय। इसलिए बोले बाबा और कुछ करना पड़ेगा, बोले और एक काम करोगे ना कभी तेरे लाला को नजर नहीं लगेगा। बोले बता दो। बोले जब तुम अपना लाला को खाना खिलाते ना वो प्लेट में जो बच जाती है उसको ला करके मेरे को दे देना। बोले ठीक है सो कर लोगो। इसलिए ये 5,500 साल की बात है, अगर अभी भी आप लोग नंदगांव जाओगे ना देखोगे अभी भी वही लीला हो रही है। भगवान का स्नान का पानी शंकर जी के सर पर डालते हैं, जब भगवान खाते प्रसाद पाते हैं वो सीधा श्री शंकर जी के मंदिर में आएगा। शंकर जी पाएंगे फिर सबको भोग लगता है। देखो ज्ञान देखो सुनो, इसलिए कोई भी चीज किसी देवा देवी को डायरेक्ट नहीं लगानी चाहिए, जैसे माता जी है शंकर जी है। शिव पुराण में तो बताया जो शंकर जी का डायरेक्ट प्रसाद पाएगा ना वो कुत्ता बनेगा, आप पढ़ करके देखना। इसलिए कभी भी कोई हनुमान जी को हो, हनुमान जी कोई चीज डायरेक्ट खाता है, हम क्या करते हैं, बोले हनुमान जी अगर इच्छा पूरी हो जाए ना सवा मन का लड्डू भोग लगाएंगे। क्या हनुमान जी तेरे लड्डू के लिए भूखे हैं, उनको खाना नहीं मिलता, नहीं सवा मन क्या करोड़ों मन भी लगा दो खाने वाले नहीं, कब खाएंगे वो। सबसे पहले प्रभु राम प्रसाद पाए, फिर माता जानकी पाएगी, भरत शत्रुघ्न पाएंगे, फिर श्री हनुमान जी पाते हैं। आप बताओ जो राम दरबार लगता है हनुमान जी कहाँ बैठे हुए होते हैं, चरणों में बैठे हुए होते। इसलिए वो संत है ना वैष्णव है, जैसे हम लोग वैष्णव है इसलिए हम लोग भी कोई चीज डायरेक्ट नहीं खाते हैं। सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगेगा, फिर वो प्रसाद अपना गुरु जी गुरुवर्ग को, फिर जाकर के हम कोई चीज को ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। इसलिए कोई भी चीज हो पहले कृष्ण को भोग लगाओ, नहीं तो राम को भोग लगाओ।
फिर वो जो प्रसाद हो क्या करो, वो प्रसाद को लेकर के शंकर जी हो, माता जी हो, गणेश जी हो, हनुमान जी हो, अगर इनको भोग लगाओगे ना, ये बड़ी प्रसन्न होकर खाते हैं और आशीर्वाद, बढ़िया आशीर्वाद देते हैं। इसलिए ये शंकर जी अभी भी, आप नंदगांव जाओगे वहां पर एक जोगिया कुंड है, अभी भी शंकर जी जोगिया बन के, जोगी बन करके अभी भी शंकर जी बैठे हुए, बोले क्यों, कृष्ण प्रसाद और कृष्ण दर्शन करने के लिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। अभी कृष्ण और थोड़ी सी बड़े हो गए, बोले कितने बड़े हो गए, बोले अभी कृष्ण 5-6 महीना को हो जाए। अब कृष्णा जब बच्चे 4-5-6 महीना हो जाए ना, वो अपने आप को करवट लेते हैं। एक दिन कन्हैया ने करवट ले ली, भैया तो बड़ी खुश हो गई, लाला शरीर में ताकत आ गई है, लाला शरीर में ताकत आ गई, आज हम उत्सव मनाएंगे। इसलिए मैया को कोई भी कोई उत्सव मनाने का कोई एक कारण बन जाए, फिर मैया सबको बुला कर घर में कीर्तन कराती है। इसलिए पहले यही होता था, आप देखना पुराने समय में कोई भी काम होता था ना घर में, सबके सब माताएं बैठ करके ढोलकी बजरा लेकर कीर्तन करते थे, क्योंकि भगवान की कीर्तन भजन के द्वारा कोई भी काम करो वो जरूर मंगलमय होता है। इसलिए मंगल भवन अमंगल हारिए। अभी इतने में मैया ने, आप अभी भी ब्रज में जाओ, गिरिराज गोवर्धन में जाओ, गांव के कुछ माता जो इकट्ठे हो जाती है ना, कीर्तन करते करते चलती, पूरा परिक्रमा कीर्तन करते करते, कभी वृंदावन आए ना बास कीर्तन करते, ठाकुर का हर चीज प्रभु की भजन को साथ में जोड़ लेते थे। इसलिए जगत संसार में ये कल्याण आनंद जगत को मिलता था। इसलिए उन्होंने क्या की है, उन्होंने पूरा ब्रज गोपियों को नौता दे दी, आज हमारे घर में कीर्तन करेंगे। अपना आंगन को साफ सुथरा करते हुए उन्होंने एक बैलगाड़ी पर ऊपर कर दी। अभी कृष्ण को उन्होंने स्नान करा कर उसको नीचे लेटा दी, क्यों, अभी गोपियां आएगी, किसको क्या लेना क्या देना। अभी जितने गोपियां बैठ करके आंगन में सब कीर्तन कर रहे थे, बोले जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, खिली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, खिली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो रंग लाला, अगोकुल में आयो नंद लाला, अगोकुल में आयो नंद लाला, मेरो गोपाला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, खिली तेरी पगड़ी रंग काला, हर चरमर चरमर कर पलना, हर चरमर चरमर कर पलना। Thank you.
ನೀಯೋ ಸಮಲಾಲ ಇಲ್ಲಿ ತೆರಿ ಪಕೇಳಿ ನಂದಲಾಲ ನೀಯೋ ಶ್ಯಾಮಲಾಲ ನೀಯೋ ನಂದಲಾಲ ಇಲ್ಲಿ ತೆರಿ ಪಕೇಳಿ ನಂದಲಾಲ ನೀಯೋ ಶ್ಯಾಮಲಾಲ ನೀಯೋ ನಂದಲಾಲ ಇಲ್ಲಿ ತೆರಿ ಪಕೇಳಿ अभी कृष्णा सो रहे थे, इतने में कृष्ण का कच्चा नींद टूट गई। बोले देखो उत्सव मेरे लिए और नाम मेरा ही, और मैं तो इसलिए मैं गोलोक वृंदावन से यहाँ आया हूँ, अपना नाम अपना भजन को आनंद लेने के लिए, सब कुछ मेरे लिए, और देखो मेरे को कहाँ लेकर दिया, बैलगाड़ी को नीचे। अभी कृष्ण अपना कीर्तन का आनंद लेना चाह रहे हैं, लेकिन कृष्ण का उम्र कितना, अभी 4-5 महीना की, अभी उनको घुटन पर भी चलना नहीं आता है। बच्चों का बल क्या, बल रोना, अगर बच्चे रोए ना फिर मैया उनको ले आती है। कृष्ण सोचा घर में थोड़ी जोर जोर से रो लू, मैया मेरे को ले आएगी। इतने में तो कृष्ण जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया, लेकिन रोते 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 तो कन्हैया थक गए। बोले क्यों, मैया तो लेन देन में लगी हुई, कौन क्या लाया, किसको क्या देना, गोपियां कीर्तन कर रही थी। अभी कृष्ण सोच रहे भैया रो तो कब तक रो, रो रो तो थक गया। इतने में कृष्ण की इच्छा शक्ति जोग माया ने कंस को प्रेरणा दिया, और कंस ने एक राक्षस भेज दिया जिसका नाम था सकटासुर। ये पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का बेटा उत्कच था। एक दिन एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हुए उन ऋषि के आश्रम को उन्हें तसरस कर दिया। ऋषि को बड़ा क्रोध आया, इसलिए भगवान तेरे को इतने मोटे छोटे बनाए, संतों की ठाकुर जी की बात को उजाड़ने के लिए, बोले जा तेरी ये शरीर नहीं रहेगा। इतने में देखते देखते उसका शरीर तो गायब होने लग गया, उस सारे नशा उतर गई। ऋषि के चरण में गिर पड़े, संत बड़े दयालु होते हैं, बोले बताओ हमारी उद्धार कैसे होगी। बोले कृष्ण जब द्वापर में गोकुल में जन्म लेंगे उनके चरण की ठोकर से तेरे उद्धार होगा। अभी कंस ने उसको भेज दिया, देखा कृष्ण कहाँ पर, बोले बैलगाड़ी को नीचे। सोचा गाड़ी के ऊपर में सवार हो जाऊं, कोई तो देख नहीं पाता है, फिर तो कृष्ण धीरे धीरे ऐसे दबाव का पीस जाएगी। कृष्ण ऊपर में देखा, बोले भैया मामा जी आ गए, अभी तो कुछ व्यवस्था करें। कंस मामा है ना, उनके संबंध से मामा लगते हैं। इतने में कृष्णा कितने 4-5 महीने के, इतने में कृष्णा अपना धीरे 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 चरण को उन्होंने चलाना शुरू किया, और चलाना करते करते ऐसे मारे बैलगाड़ी में, पूरा गाड़ी पलट गई, जितने दूध दही सब के सब बिखर गया। देखो यहाँ शिक्षा देते हैं, कृष्णा ये पूर्ण ब्रह्म है, कृष्णा ये पूर्ण ब्रह्म है। पुतना को कितना दिन में मारे थे बताओ, जब कृष्ण का कितना दिन में पुतना को मारे थे, बोलो कौन बोलेगा, बोलो। तुम लोग तो बोले सुनने आते हो, कुछ याद नहीं रखते, इधर सुनकर इधर निकाल देते। कितना दिन में पुतना को मारे, 6 दिन में। उन्होंने स्तन को पान किया, शिक्षा देते हैं कृष्ण की होठ में कितने शक्ति है। केवल 6 दिन का बच्चा इतने बड़ी राक्षसी पुतना, देवता जिनके नाम सुनकर कांप उठते थे, लेकिन कृष्ण का होठ में कितने शक्ति। अभी कृष्ण कितने उम्र के हैं, कितने साल की, 4-5 महीना की। उनने इसे चरण की ऐसे ठोकर मारे, सारे को सारे तसनस मार डाले। शिक्षा दिया कृष्ण की चरण की अंगूठ में कितना शक्ति है। अभी सारे गोपियां इकट्ठे हो गए, पलटी तो पलटी कैसे, लेकिन कृष्ण का सखाओ ने दर्शन की थी, उन लोगों ने तोतली तोतली बोली से मैया को बोलने के लिए कोशिश की, लेकिन मैया को विश्वास नहीं हुआ। मेरे लाला अभी 4-5 महीना के, थोड़ी किचकी चरने की ठोकर से पलट जाएगा। फिर मैया ने कन्हैया को लेकर के फिर बीच में लेटा दी, फिर गोपियों ने कीर्तन किया। कृष्ण बोले पहले अगर ये काम कर लेता, मैं इतने नटखट करने नहीं आता, मैंने इतना नटखट करता है। यहाँ पर सिखा देते हैं, देखो अगर घर में कोई उत्सव हो ना, क्या करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। उन्होंने क्या किया, कृष्ण को अपना उत्सव से उन्होंने दूर रख दिया।
बैलगाड़ी को नीचे लेटा दी है और घर की सामान को बैलगाड़ी को रख दिया। कृष्ण शिक्षा देते हैं, अगर कोई उत्सव हो, अगर ये उत्सव से अगर मेरे को निकाल दोगे ना, फिर तो ऐसे ठोकर मारूंगा ना, सारे सत्यानाश कर दूंगा तुम्हारी। हम यही करते हैं, शादी हो रही है, बच्चे का बर्थडे मना रहे हैं, कितना सारी यार दोस्त को बुलाएंगे, कितना बोतलों तोड़वाएंगे, कितना बकरी और कितने मुर्गा को मार कर खाना खिला देंगे। इसलिए एक संत कह रहे थे, ध्यान देकर सुनो, एक संत कह रहे थे, जिस बच्चे का बर्थडे में तुमने इतने बोतलों तोड़वाया और इतने जानवर को तुमने मरवाया, बच्चा का कभी कल्याण होगा? अगर 100 साल का होगा ना, झट 50 साल में उतर जाएगा इसका ऊपर। इसलिए हर चीजों में अगर भगवान की भक्ति को साथ में अगर करोगे तो फिर फलते फूलते रहोगे, बच्चा का कल्याण होगा। बोतला तोड़वाना नहीं, समझते हो, बोतला तोड़ना वो पीना है, जानवर को मारना नहीं, जानवर को नहीं मारना है, बोतल नहीं तोड़वाना है। उसमें संतों को बुलाओ, हरि कीर्तन करो, नहीं तो खुद बैठ कर कीर्तन करो। केक काटना वो हमारी संस्कृति नहीं है, केक काटना ये अंग्रेजियों का संस्कृति है। हमारी संस्कृति है भगवान की भक्ति, भजन, सत्संग करना, ये हमारी संस्कृति है। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण और थोड़ी सी बड़े हो गए, बल्कि कितना, अभी तो कृष्ण 4-5 महीना में करवट लिया। कृष्ण और जब बड़ा होता है, देखना जब करवट लेने का बाद बच्चा क्या करता है, अपना सहारा से, जैसे सांप चलता है ना, पेट की सहारा से घिसते घिसते चलना शुरू करता है। उस समय देखना बच्चा बड़ा नटखट होता है। आप तो सब बच्चे को जन्म दिए होंगे, कोई चीज देखेगा ना पकड़ने के लिए चाहेगा, कोई चीज देखेगा तो पेट की सहारा से घिसते घिसते जाकर पकड़ना चाहता है उस समय। अभी तो कृष्ण सबसे ज्यादा नटखट है। अभी कृष्ण सोच रहे हैं थोड़ा घर से बाहर में निकलूं, लेकिन अभी तो घुटने पर चलना भी नहीं आता। हर घर घर में पहले दहली हुआ करता था, समझते हो, दहली चौखट जो गांव के समझ जाए, अभी तो चौखट बहुत खत्म हो गई है। अभी कृष्ण और बहुत ऊंचा था वो चौखट, कृष्ण पेट की सहारा से घिसते घिसते वो चौखट ऊपर में आई। अभी आधा शरीर बाहर और आधा भीतर, अभी घुटन पर भी चलना नहीं आता है, बाहर चौखट ऊपर प्रभु से लटक गए, लटका तो भगवान। इतने में नारद जी लोमर ऋषि को साथ में वो देखने के लिए आए, प्रभु कैसे लीला कर रहे हैं। देखा भगवान तो लटक रहे हैं और जोर जोर से रो रहे हैं, क्यों, उधर भी नहीं जा पा रहे हैं और इधर नहीं आ पा रहे हैं। नारद जी ने देखा भैया तो लटका तो भगवान जी, वो तो देख करके बड़ी जोर से ठा लगा करके हा 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 कर हंसने लग गए। फिर थोड़ी देर बाद में फिर नारद जी रोना शुरू कर दिया। उनको साथ में जो ऋषि थे बोले, नारद जी पहले तो अपने ठा लगा करके हंसे, फिर बाद में रोए क्यों, हंसे क्यों और रोए क्यों? बोले इसलिए मैं हंस रहा था, बोले जिनके नाम लेने पर जीव भवसागर से पार हो जाते हैं, क्या प्रभु ये चौपटों को पार नहीं हो सकते थे, क्यों ये लीला कर रहे हैं? बोले भक्तों को आनंद देने के लिए, भक्त लोग इसी आनंद में ही डूब जाते हैं, इसलिए भक्तों का सौभाग्य वो सोच रहा था। बोले रो रहे थे क्यों? बोले ज्ञानियों के लिए, जो ज्ञानी लोग भगवान को निराकार कहते हैं, निर्विशेष, वो तो एक ज्योति है, उनको तो कोई लीला नहीं, रूप नहीं, उनकी दुर्भाग्य को सोच सोच करके मैं रो रहा था। इतने सुंदर प्रभु की लीला से कैसे ये वंचित है, ये वंचित कैसे है? अभी कृष्ण और धीरे धीरे, कृष्ण बड़े हुए, बोले कितने बड़े होंगे? अभी कृष्ण धीरे 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 चलना शुरू किया। जब कृष्ण चलना शुरू किया, अभी कोई भी चीज को कृष्ण देखे ना, आग देखे पकड़ने के लिए जाए, फिर मैया जाकर रोकती, कहीं तलवार देख लिया उसको भी पकड़ने के लिए जाए, मैया वहां से वापस लेकर के आती है। कोई गैया बछड़ा देख ले उसको सींग को पकड़ने के लिए जाए,
फिर मैया वहां से लेकर के आती है। और बलदेव प्रभु कितने बड़े, उनसे केवल 15 दिन बलदेव प्रभु बड़े। दोनों बच्चे इतने नटखट, इतने नटखट। रोहिणी और जसोदा, रोहिणी का बेटा दाऊ और जसोदा का बेटा कन्हैया, अभी दो माँ कभी भी एक साथ में घर का काम नहीं कर पाती। एक मैया दोनों बच्चों को संभालेगी, फिर तो एक मैया जाकर घर का काम करती है। इतने कृष्ण बलदेव प्रभु इतने चंचल थे। एक दिन मैया जसोदा ने कृष्ण बलराम दोनों बच्चों को स्नान करवाया, बड़ा सुंदर श्रृंगार कराया, बोलता हूँ तुम लोग खेलो, मैं घर का काम करती हूँ। कृष्ण सोच रहे हैं जब तक हमारी ऊपर में कोई विपत्ति आ जाए, मैया ये गोबर और ये गोबर मूत्र से हमें स्नान कराती है, ये गोबर और गोबर मूत्र से हमें स्नान कराती है। भैया इसमें ये क्या चीज, क्यों स्नान कराती है? एक दिन दोनों भैया ने देखा गैया पास में बंधे हुए थे, बोले चलो आज हम गोबर और गोमूत्र को अपना शरीर में लगाएंगे। वहां दोनों भैया गए, जितने गोबर था गोमूत्र और कीचड़ था ना, सब सारा शरीर में पोत दिए। पोत करके दोनों भैया बैठे हुए, मैया ने देखा ये दोनों दुष्ट गए कहां, बोले कन्हुआ बलुआ तुम दोनों कहां हो? बोले मैया हम यहाँ है। बोले वहां क्या कर रहे हो? देखा सारे कीचड़ में सने हुए गोबर कितने। मैया बोले अभी अभी स्नान करा के श्रृंगार करवाया और अभी अभी सब कुछ बिगाड़ दिया। दोनों को कान को पकड़ लिया, बोले क्यों रे? बोले तुम सुकर असी गत पुतना रे, हे पुतना के अरी, क्या तुम दोनों पहले सुअर थे? ये सुअर कीचड़ में लोटपोट खाते हैं। इतने में कृष्णा अपना सर पे सिंगार, बोले भैया हम तो पहले सुअर ही थे, लेकिन तेरे को कैसे पता चली? क्योंकि सत्य युग में भगवान जिस समय श्री है, जिस समय राक्षस ने है, जिस समय शंकासुर ने ये चार भेद धारण करके उन्होंने पानी को अंदर ले चुभ गया, तब भगवान बरहा अवतार लेकर के पानी में छलांग लगाए और उन्होंने चार भेद उद्धार की। जिस समय मन महाराज ही दुनिया की सृष्टि करना चाहते थे, लेकिन पृथ्वी है ही नहीं, हिरण्यक्ष ने ये पृथ्वी को रसातल में छुपा करके ले गया था, तब भगवान बरहा अवतार लेकर के ये पृथ्वी को उन्होंने उत्तोलन किया है। बोले श्री भगवान बरहा देव की, बोले मैया पहले तो हम सुअर थे, लेकिन तेरे को कैसे पता चला हम सुअर थे? हैं अभी कृष्ण धीरे धीरे और बड़े हुए, जब कृष्ण और धीरे 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 कृष्ण बड़े हो रहे हैं, एक दिन देखना माता है कभी कभी बच्चे को ना, बच्चे को कभी कभी ऐसे लेकर हाथ में उछालती, देखा होगा ऐसे ऐसे उछालती। मैया कन्हैया को लेकर के ऐसे ऐसे उछाल रही थी। कृष्ण सोचा मैया मेरे को तो उछाल रही है, लेकिन ये थोड़े से ऊपर उछाल रही है, मैं तो चाहता हूँ कोई एक एरोप्लेन आ जाए और ये एरोप्लेन में बैठ करके थोड़ी सी वृंदावन धाम को घूम लूं। बोले क्यों? बोले जब मैं बड़ा होगा है तब गली गली में मक्खन चोरी करूंगा, अगर कोई पकड़ में आए तो भागू तो किधर से भागू, थोड़ी ब्रज का गलियों को तो देख लूं। इसलिए जब ऐसे उछाल रही थी, कृष्ण के मन में इच्छा हुई, कृष्ण की इच्छा शक्ति जोग माया ये कंस को प्रेरणा कर दिया। इतने में कंस ने एक तृणावर्त दत्त को उन्होंने भेज दिया, ये तृणावर्त दत्त आ गया। कृष्ण सोच रहा है मामा जी आ गए, अभी मामा जी एरोप्लेन में उड़ाएंगे, लेकिन उड़ाएंगे मैं तो ऊपर ही उड़कर चले जाऊंगा, बच जाऊंगा। अगर मैया को अगर उड़ा करके ले गया तो फिर ये बचेगी कैसे? इतने में कृष्ण इतने भोजन, इतने जैसे कोई पहाड़ की जैसे चट्टान होता है ना पत्थर की, इतने भोजन बन गई। मैया बोली मैया ये लाला इतने भोजन कैसे हो गई? मैया अभी गोद में रख नहीं पा रही है। इतने में मैया कन्हैया को नीचे लेटा दी। इतने में तृणावर्त ने एकदम आंधी तूफान रूप में आए और उन्होंने किया कि चारों तरफ अंधकार अंधकार छा गया और कृष्ण को पकड़े और पकड़ कर आकाश में उड़ चले। कृष्ण उसको गले को पकड़ लिए और पूरा जब ब्रजमंडल को पूरा दर्शन कर लिया एरोप्लेन में बैठी करके। अभी नीचे लैंडिंग करना पड़ेगा, नीचे उतरना पड़ेगा, अभी उतरे कैसे? उन्होंने राक्षस का गले को उन्होंने दबाया, ऐसे दबाया तो
उसका प्राण घुट गई और इतने में धड़ांग करके गिरा, एकदम चकना शुरू हो गया। थोड़ी देरी बाद में मैया देखा, मेरे लाला को तो मैंने यहीं पर लेटा था, लेकिन कृष्ण गया कहाँ? अभी तो रोने लग गई मैया, सब गोपियां इकट्ठे हो गई, हमारे लाला कहाँ है? देखा लाला दूर में है पड़ा हुआ, और वहां पर राक्षस मरा पड़ा हुआ। फिर मैया ने ला करके फिर लाला को स्तन पान कराया है। जब कृष्ण स्तन पान करते हुए थोड़ी सी मीठी मीठी हंसे, बोले लाला अभी ठीक ठाक, लाला अभी ठीक ठाक लाला है। यहाँ पर श्री टीकाकार लोग कहते हैं, बोले मुहूर्तम है, वहां पर कहते कभी कभी साधक का जीवन में भी कभी कभी थोड़ी समय के लिए अंधकार आता है। जो भजन करते हैं कभी कभी थोड़ी समय के लिए कभी कभी जीवन में अंधकार भी आती है, जैसे वहां पर अंधकार हो गया, लेकिन कृष्ण ने अंधकार को दूर करके राक्षस को बंद किए। भक्ति करने पर कभी कभी अंधकार आ जाते हैं। देखो आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ये हमारे जो बड़े गुरु जी थे ना, एक कथा सुनाते हैं। बोले एक समय श्री रंगम में कोई एक वैष्णव रहता था, भगवान नारायण लक्ष्मी की सेवा करता था, और बड़े सुंदर वो ब्रह्मचारी था। वो ब्रह्मचारी हैं, रोज एक सुंदर बगीचा थी जिसमें सुंदर फूल तुलसी बड़ा सुंदर था। वो रोज जा करके क्या करता था, सुंदर फूल को तोड़ता था, तुलसी लाता था, ठाकुर जी की सेवा में लगाया करता था। दो बहन थी, दो बहनी में दोनों बहनी थी वैश्या हैं, दोनों बहनी वैश्या थी। जो बड़ी बहनी थी वो सुंदर तो थी, लेकिन उसको भी ज्यादा मात करने वाली उसकी छोटी बहनी की सुंदरता। एक दिन वो दोनों बहन वो बगीचा को पास में होते हुए जा रही थी। जो बड़ी बहनी ने छोटी बहनी जो वैश्या थी, बोले देखो ये संतों का जीवन कितने पवित्र है, ये साधु जीवन कितने पवित्र है। देखो ब्रह्मचारी को देखो कितने सुंदर है, कैसे सुंदर फूल तोड़ रहा है, कितने सुंदर तुलसी लेकर के ठाकुर जी की सेवा में लगाता है। इतने में जो छोटी बहनी थी, बोले रख ऐसे कितने हमने ब्रह्मचारी साधुओं का मैंने देखा है, ये तब तक ये ब्रह्मचारी साधु है ना जब तक वो मेरे तरफ में नहीं देख लेती। उसने जो बड़ी बहनी ने बताया, तू बोले ऐसे तू नहीं बोल सकती हो, तुम जानते नहीं संतो जीवन की, ये दिन रात भगवान की भक्ति भजन में ये डूबे हुए रहते हैं। इसलिए डूबे होने का नाते कृष्ण स्वयं कहते हैं, दैवी जैसा गुणमयी मम माया दुरतया माम एवं जे प्रपद्यन्ते मायां एतां करन्ति। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं ये माया मेरी माया है, इसलिए मेरे शरण में जो आते हैं मैं उनको माया से उद्धार कर लेता हूँ, इसलिए इनके मन को कोई नहीं भटका सकते हैं। छोटी बहन की बोली, यहाँ मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानती हूँ, ये मेरे को देखा नहीं ना अभी तक, ये ब्रह्मचारी बना हुआ मेरे को देखेगा ना वो सब भूल जाएगा। बोले तू ऐसे नहीं बोल सकती, अभी दोनों में लड़ाई हो गई, ये दोनों में लड़ाई हो गई। छोटी बहनी कहती इसको हम गिरा सकती हूँ प्रेम से, बड़ी कहती तो कभी नहीं गिरा सकती हूँ अपना प्रेम। राधा रमण हरि गोविंद जय जय।
अभी दोनों बहन में लड़ाई होगी। छोटी बहन कहती है अगर मैं अपना प्रेम से गिरा दूं तो, बड़ी बहन कहती है तू कभी भी नहीं गिरा सकती हो, बोले गिरा दूं तो बोले तुम्हारी मैं दासी बन जाऊंगी, बोले देख तेरे को मैं दिखा दूं। बोले छोटी बहन थी बहुत सुंदर थी, उसने जान बुझ कर किया कि वो रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी, उसने एक कपड़ा पहन करके पतला कपड़ा पहन करके जान बुझ करके आई। अगर पतला कपड़ा हो अगर पानी गिरे ना फिर वो कपड़ा क्या होता है शरीर में चिपक जाती है। उसने जान बुझ करके वो साधु जिस बगीचा से फूल और तुलसी तोड़ रहा था वो जान बुझ करके आई और जान बुझ कर धड़ाम करके गिरी और बड़ी जोर जोर से चिल्ला करके मेरे को बचाओ मेरे को बचाओ मैं मर रही हूँ, बड़े नाटक करने लग गई। वो साधु फूल चयन कर रहा था, उसने देखा कोई एक स्त्री रो रही है, बोले भैया रोने दो हम साधु को स्त्री रो रही है। लेकिन वो जान बुझ करके इतने जोर से रोने लग गई मेरे को कोई तो बचाओ नहीं तो मर रही हूँ मेरे को बचाओ। अभी संतों का हृदय बड़े दयालु होता है, संत हृदय नव नीत समाना। अभी संतों को सहन नहीं किया गया, उसने जाकर देखा वो छटपट कर रही थी, मेरे को नाटक कर रही थी हैं छटपट कर रही थी। इसने देख करके दया की भावना आई, उसने कंडा जलाया, कंडा जला करके उसको शरीर को उन्होंने सेक करवाया, सेक करवा करके उन्होंने किया कि बोले तुम घर में चले जाओ। वो चली गई, जब चली गई अभी वो क्या करती है, वो बाबा रोज तो बगीचा से फूल तुलसी चयन करते हैं तोड़ते हैं, वो जान बुझ करके ना वो बगीचा को पास जा जान बुझ करके उधर से जाती है, बोले बाबा राधे राधे हैं बाबा राम राम। और वो जान बुझ कर क्या करती है, कोई जो चीज लाती है और बाबा को दे देती, बोले बाबा आप उसी दिन मेरे को प्राण से बचाए। ऐसे करते 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 उसने माया में फंसा। इसलिए हमारे संत कहते हैं जो माया है ना ये सुई बन करके आती है और फाल बन करके निकलती है, सुई बन करके आती है और फाल बन करके निकलती है। ऐसे करते 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 एक बार उनका शरीर को देखा है, रूप को देखा, आंख उन्होंने सेकवा की, जैसे मन को अंदर में उसका फटो खींच गया। जब वो भजन करने के लिए बैठते ना भजन किया होगा अभी उसके दिन भर उसकी याद आती है, उसकी याद आती है दिन भर उसकी याद आती है, करते करते पूरा उसकी प्रेम में फंस गया। जब फंस गई अभी क्या करती है वो, जैसे ठाकुर का कोई प्रसाद भोग होता है ना उसको छुपा कर उसको लेकर दे आता है, छुपा छुपा कर ये भी उसको देती है वो भी उसको देती है। और इतनी बुरी तरह से वो बाबा फंस गया, बस भजन भजन जब बैठ भजन भजन खत्म, अभी ठाकुर का घर का चीज लेकर उसको छुपा छुपा करके दे जाती है। यही हो गया उसका भजन, ठाकुर ने देखा हाय रे ये कितना मेरी भजन करता था कितने भक्ति करता था, अभी तक तो भक्ति भक्ति गया, इसकी भक्ति भक्ति गई पूरा, अब तो दिन रात मुझे क्या याद करेगा, वो लड़की को दशिया भी याद करता है। एक दिन क्या किया ठाकुर जी स्वयं अपना जो सोने की प्लेट थी ना ठाकुर जी स्वयं नारायण ने वो बेस्या को घर में वो प्लेट पर रख दिया। ठाकुर जी इधर हला हो गया, ठाकुर जी के सोने की प्लेट कहीं चोरी हो गई, राजा ने सियाही लगा दिया, देखो ठाकुर जी की सोने की प्लेट कहाँ गई। देखा ये प्लेट मिला वो बेस्या के घर में, सियाही ने देखा ये बेस्या घर में कैसे आए, देखा वो जो पुजारी है वो छुप छुप करके इसको पास में, ये पुजारी छुप छुप करके उसको घर में आता है, सीआईडी इसको पकड़ लिया, बोले तुमने ठाकुर को पूजा करके ठाकुर का सोने के प्लेट को वो बेस्याब घर में तुमने दे करके आए, बोले जेल में बंद करो इस साधु को। अभी उसको जेल में बंद हो गया, जब बंद हो गया अभी वो साधु जेल में बैठ बैठ करके बोले हाय रे पहले कितने पवित्र जीवन मेरा था, दिन रात मैं प्रभु को भजन करता था भक्ति करता था नाम लेता था ठाकुर को सेवा करता था,
लेकिन ये वेश्या मेरे को धीरे 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 कितने बुरी तरह से फंसाया और कहा मैंने चोरी की नहीं, बिना कारण से अभी जेल में बैठा पड़ा, अभी ठाकुर का नाम को ले लेकर रोता है, ठाकुर जी मेरे को बचाओ, अभी मैंने तो चोरी नहीं की, ठाकुर जी अभी मेरे को बचाओ, अभी मैं चाहता हूँ शुद्ध रूप में तेरा भजन करना चाहता हूँ, मेरे को बचाओ, ये जेल से निकालो। जब रोने लग गए ठाकुर जी ने दिखा सुधर गया है, ये व्यक्ति सुधर गया है। इतने में ठाकुर जी राजा को स्वप्न दिया, बोले महाराज ये जो साधु है ना, ये सचमुच से ये साधु है, इसने ये चोरी नहीं किया है, लेकिन ये फंस गया था माया में, ये फंस गया था, इसलिए मैंने इसको उधार करने के लिए मैंने उसको ये लीला, मैंने जानबूझकर ये लीला मैंने किया है, वो थाली को मैंने चोरी की है, ये साधु ने थाली चोरी नहीं की, उसको बचाने के लिए जाओ उसको जेल से मुक्त करवा दो। अभी ठाकुर जी की स्वप्न पा करके राजा ने बोले भैया मैं तो गलती कर दिया, मैं तो गलती की, बिना कारण के कारण साधु को मैंने जेल में बंद कर दिया। फिर जा करके उन्होंने साधु से माफी मांगी और माफी मांग करके फिर उन्होंने जेल से उन्होंने उनको मुक्त करवा दिया। फिर साधु ने फिर भगवान की भजन की। यहाँ पर हमारे टीकाकार कहते हैं कभी कभी साधकों का जीवन में जो भजन करते हैं कभी कभी कुछ समय के लिए कभी अंधकार जीवन में आता है, लेकिन इसमें हमें चंचलता नहीं होनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, कंटिन्यू भगवान की भक्ति करनी चाहिए। एक दिन भगवान हमें इस माया से हम निकाल लेते हैं। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरिद्वार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा। धीरे 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 कृष्णा बड़े होते जा रहे थे, जितने कृष्णा बड़े होते राज ना उतना चंचला कर रहे थे, इसलिए कल आप लोगों ने श्रवण किया कृष्ण कैसे घर घर में प्रभु, कैसे प्रभु घर घर में मक्खन चोरी करते थे, कैसे मैया यशोदा कन्या को उन्होंने उखल में कैसे बांध दिए, और कैसे कृष्णा नाल उखड़े और मुनि भी, ये दोनों दैत्यों कैसे भगवान ने कैसे उन्होंने बचाए। जब कृष्ण ये नटखट कर रहे थे और उन्होंने ये जमलार जो वृक्ष को तोड़े, इतने में सारे ब्रजवासी बैठ कर के मीटिंग किया, बोले देखो लगता है ये वृंदावन हमारे रहने का लायक नहीं होगा। पहले तो ये राक्षस लोग दैत्य लोग कृष्ण को पीछे पड़ गए थे, अभी ये वृक्ष अपने आप उखड़ उखड़ करके हमारे लाला को ऊपर गिरने लग गया, लगता है यहाँ एकदम हमारे प्रतिकूल बन गया, चलो हम और कहीं चलते हैं। कहां जाएंगे? उसमें जो सर्वश्रेष्ठ गोप था उपानंद ने बोले देखो ये पास में एक सुंदर धाम है जिसका नाम से वृंदावन धाम है, जहां पर सुंदर कलकल नाद से यमुना नदी बह रही है, जहां पर श्री गिरिराज गोवर्धन सुंदर सुंदर, जहां पर बच्चों को खेलने के लिए सुंदर सुंदर मैदान है, जहां पर गैया को खाने के लिए सुंदर सुंदर घास है, और श्री वृंदावन धाम अद्भुत श्री वृंदावन धाम है। बोले श्री वृंदावन धाम, इसलिए वर्णना करते हैं वृंदावन धाम कैसे है। बोले चिंता मणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लख्या वृतत सुरभि रवि पालयंतम लक्ष्मी सहस्र शतसम ब्रह्म से प्रमाणम गोविंदं मादिपुरुषं तमहं भजामि। बोले वृंदावन धाम कैसे है? बोले चिंतामणि, कहते वहां के जो भूमि है ना वो भूमि कोई साधारण भूमि नहीं, वो चिंतामणि। चिंतामणि मतलब क्या? जो मांगो तुम्हें वही मिलेगा। इधर देखो मेरे तरफ में,
कोई एक व्यक्ति आ जाए ना, माताएं सब भूल जाती है कथा सुनना, कौन कैसे साड़ी पहन कर क्या आया, कौन सब उधर देखने लग जाते कथा, जैसे सारी जिंदगी में देखेगी इधर ध्यान देगी कथा सुना। इसलिए कहते वृंदावन धाम कैसे है, वृंदावन धाम कैसे बोले चिंतामयी के वृंदावन धाम, जैसे वृंदावन धाम चिंतामयी है ना, मेरे तरफ में देखो ये भगवान का नाम भी चिंतामयी। इसलिए भागवत ने बताया नाम चिंतामणि कृष्ण, भगवान का जो नाम ये चिंतामणि, चिंतामणि मतलब जो कुछ ये हरि नाम से मांगो ये हरि नाम आपको सो प्रदान करे, सब कुछ ये प्रदान करती है। देखो एक उदाहरण देते हैं, जैसे आप रास्ता में चल रहे हो, आपका हाथ में एक थाली है, आप चलते चलते जब थोड़ी दूर गए देखा 100 रुपया गड्डी का गड्डी पड़ा हुआ जिसका कोई मालिक नहीं, रास्ता में पड़ा हुआ, आपका हाथ में एक थाली, बताओ क्या करोगे, बोलो क्या करोगे, अब थाली में भरोगे क्यों, उसका कोई मालिक नहीं है, आप चोरी नहीं कर रहे हो, रास्ता में पड़ा हुआ क्या करोगे, जितना ठोस ठोस करके उसको भरोगे। लेकिन जब और थोड़ी दूर गए ना, देखा 200 रुपया गड्डी की गड्डी पड़ा हुआ, फिर क्या करोगे, 100 के निकालेंगे, 200 बोलो क्या करोगे, फिर 100 रुपया गड्डी को निकालोगे, जब 200 रुपया मिल रहे हैं 100 रुपया क्या जरूरत है। लेकिन और थोड़ी दूर गए ना, 500 रुपया गड्डी की गड्डी पड़ा हुआ, फिर क्या करोगे, 200 निकालेंगे 500। हाँ तभी बच्चा बड़ा चालाक है, 200 को फेंक देंगे हैं और 500 को भरेंगे, और थोड़ी दूर गए 2000 गड्डी की गड्डी पड़ा हुआ, क्या करोगे, 500 रुपया गड्डी को फेंकोगे, फिर 10000, फिर 2000 की भरोगे, 200 की 1000 की, फिर थोड़ी दूर गए ना देखा हीरे जवाहरात बिखरा हुआ है, फिर क्या करोगे, 2000 को फेंकेंगे हीरे जवाहरात, ये कह रहा है 2000 को फेंक देंगे, फेंक दोगे 2000 रुपया, हाँ इसलिए क्या करेगी, जब वहां पर कितना हीरे जवाहरात बिखर रहे हैं क्या क्या करेगी, फिर हमने उसको भी फेंकेंगे और हीरे जवाहरात को भरेंगे। लेकिन और थोड़ी दूर गए उससे भी कीमती ज्यादा चीज मिला है जिसका नाम कहते हैं पारस मणि, नाम सुने होंगे, वो पारस मणि लोहे को जो सोना बना, अगर पारस मणि निकली गया फिर क्या करोगे, पर उसको भी फेंकोगे, क्यों, लोहे और कितने पैसा की, लोहे लाओ और पारस मणि को स्पर्श कराओ वो सोना ही बनते जाएगा, उसको भी फेंकेंगे हैं। लेकिन और थोड़ी दूर गए उससे भी कीमती चीज मिला जिसका नाम कहते हैं स्यमंतक मणि, क्या नाम है, स्यमंतक। ये भागवत में कथा आती है सत्राजित महाराज जिनकी बेटी थी सत्यभामा, ये सत्राजित का मित्रता था ये सूर्य देवता के साथ, इसलिए सूर्य देवता ने प्रसन्न होकर के सत्राजित को उन्होंने ये स्यमंतक मणि प्रदान की। इसकी विशेषत्व है रोज रोज अष्टभार सुवर्ण, मतलब सोने की जो चट्टान है अपनी आप जिससे निकलता है, अपनी आप अष्टभार सुवर्ण की चट्टान निकलता है, फिर क्या करो भैया, ये पारस पत्र का क्या जरूरत, लोहे लाओ उसको टच कराओ सोना बनेगा, इससे तो सोना अपने आप निकलता है, फिर हम क्या करेंगे, सिमंतक मणि को लेकर जाएंगे। और थोड़ी दूर गए उससे भी कीमती चीज मिला है, बताओ क्या है, सेवंतक मणि से और बढ़िया चीज क्या हो सकता है, अब बताए बोलो क्या है, क्या है, हाँ देखो ये बच्चा ने उत्तर दिया जिसका नाम चिंतामणि है, चिंतामणि मतलब क्या, ये जो सेवंतक मणि अगर आप बोलोगे आज बढ़िया बढ़िया साड़ी पहनने का इच्छा हो रही है तो नहीं देगा, बोलोगे सुंदर मकान चाहता है नहीं देगा, आप बढ़िया बढ़िया खाना चाहते हैं तो नहीं देगा, वो केवल सोना ही देगा और कुछ नहीं देगा, केवल सोना ही देगा। लेकिन चिंतामणि क्या देगा, बोले चिंतामणि मतलब जो चिंता करोगे जो मांगोगे वो ही मिलेगा तुमको, बोले कहाँ से, भागवत कहता है नाम चिंतामणि कृष्ण, ये जो भगवान का नाम है कहिए चिंतामणि है, जो मांगोगे ना ये यही हरि नाम से मिलेगा। प्रश्न है फिर हम तो इतना हरि नाम कर ही रहे हैं, फिर हमें क्यों नहीं मिल रहा है, हम तो इतने हरिनाम कर रहे हैं दिन भर माला करते करते देखो माला काली हो गई, लेकिन अभी तक तो किसी किसी माला तो टूट गया, बोले गुरु जी माला टूट गया, अभी इतने हरिनाम करते माला भी टूट गया,
लेकिन फिर ये हमारी ये इच्छा क्यों पूरी नहीं कर रही है? बोले कारण बताए, हरिनाम जैसे करनी चाहिए ना, हम वैसे हरिनाम नहीं कर रहे हैं। इसलिए शास्त्र ने बताया हरिनाम करने के लिए 10 तरह का नामा अपराध है। क्या है? 10 तरह का नामा अपराध है। अगर ये अपराध को छोड़ करके अगर हरिनाम करेंगे, फिर तो आप जो मांगोगे ना, जो मांगोगे ये हरिनाम हमें वही प्रदान करेगा। जो कुछ मांगोगे हरिनाम हमें वही प्रदान करेगा। इसलिए नाम अपराध को छोड़ करके हमें हरिनाम करनी चाहिए। इसलिए 10 तरह का नामा अपराध हमें छोड़नी चाहिए। बोलो क्या क्या चीज है? देखो ध्यान देखो सुन लो। पहले तो किसी संतों का हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी संतों का हमें कभी निंदा नहीं करनी चाहिए संतों की, हैं? इसलिए हम देखने पर भी निंदा मत करो। शास्त्र बताए बोले क्यों? बोले साधारण जीव को भी निंदा करो उसमें भी पाप। क्यों? हर जीव के अंदर में ठाकुर जी बैठे हुए। देखो एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, ये निंदा कितनी गंदी बात है। एक समय कोई एक संत राज दरबार में भिक्षा मांगने के लिए गया। राजा ने संतों को बोले तो काम करे खा नहीं पाते हो, भीख मांगने के लिए आ गए, लो भीख। उसने घोड़े का जो बिष्टा ली उसको झोली में दे दिया। वो संत है तो लेकर चले गए। एक दिन राजा भ्रमण करते करते जंगल में पहुंचा और हठात उसी साधु की आश्रम में पहुंचा। देखा घोड़े का जो लीड है ना, ये पर्वत आकार में घोड़े का लीड है। बोले भैया ये पर्वत आकार में घोड़े का लीड इतना कैसे? देखा वही संत हैं। बोले बाबा ये क्या चीज? बोले महाराज आपको याद है एक दिन आपका घर में मैंने भिक्षा लेने के लिए आया था ठाकुर को सेवा के लिए, आपने मेरे को क्या दिया था याद करो? बोले घोड़े का लीड। बोले संतों को और ठाकुर जी की सेवा में जब कोई वस्तु देते है ना, वो कभी घटेगी नहीं, वो बढ़ेगी। हर समय वो बढ़ेगी, कभी घटेगी नहीं। इसलिए जैसे राम बाण जैसे उदाहरण दिया, जब भगवान अपना बाण को तीर को पकड़ते हैं वो 10 गुण होता है, जब निकालते हो जाता है 100, जब चढ़ाते हैं होता है 1000, जब खेसते हैं होता है 1,00,000, जब छोड़ते हैं हो जाता है 1,00,000,000। उसी तरह अगर ठाकुर को सेवा में बताओ, इसलिए सुदामा जी ने ठाकुर को 2 मुट्ठी चिड़वा दिया, ठाकुर जी क्या दिया? त्रिभुवन का राज्य ठाकुर जी ने दिए। बोले संतों को अगर कोई चीज दोगे कभी घटेगी नहीं, बढ़ेगी। एक दिन ये लीड इतना बढ़ेगा तेरे देश में ये घोड़े के लीड के सिवाय और कुछ भी नहीं रहेगा। बोले हे भगवान मेरी तो गलती हो गई, संतों के चरण में गिर पड़े, माफी मांगने लगे। बोले अभी बताओ कि कैसे उधार कैसे होगा, ये लीड खत्म कैसे होगा? बोले कोई उपाय नहीं, अगर तुम्हारे राज्य के लोग तुम्हारी निंदा करें ना, तभी ये लीड खत्म हो सकती है। बोले बताओ क्या करनी चाहिए? बोले एक काम करो, तुम्हारी एक बेटी है ना, अभी ये युवती हो गई। बोले हाँ। बोले तुम्हारी घर को सामने जो बगीचा है, तू अपना बेटी को लेकर वहाँ पर कुटिया बना करके अकेला रहा कर। अभी पूरा राज्य के लोग तेरी निंदा करेंगे तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। उसने ठीक ऐसे किया, पूरा राज्य में उसकी निंदा चर्चा, कितने दुष्ट ये राजा, अपना बेटी को अकेले लेकर के बगीचा में रह रहा है। जब ये राजा आए संतों की दरबार में, देखा सारे खत्म, लेकिन उसमें एक टोकरी बाकी है। बोले महाराज जी एक टोकरी कैसे बाकी रह गई? बोले तुम्हारे देश में एक माता जी रहती है, वो कभी किसकी चुगली नहीं करती, कभी किसकी निंदा नहीं करती है, 3 भर माला लेकर के ठाकुर जी की भजन करते रहती है, उसकी हिस्सा की रह गई। अगर वो निंदा करते तुम्हारी तो खत्म हो जाएगा, नहीं तो जो एक टोकरी बच गया तेरे खाना पड़ेगा, तभी खत्म होगा। इतने में राजा अपना ड्रेस बदला करके वो आते हैं वो माता जी के घर में। सचमुच से देखते हैं माता जी ऐसे माला की झोली ली हुई और बैठ करके एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
जाओगे जो पीछे माताएं बैठ सकती है। आप कितना जगह पड़ेगी बाद में मिला होगी बोलिए होगा आगे आप कोई सर्ग नहीं रहे लगता है जम गए बर्फ जैसे जम गए सर और आगे आ जाओ और आगे आ जाओ भाई लोग भी आगे आ जाओ पीछे से माताएं जो पीछे बैठे सब आगे आ जाओ इनकी जगह खाली क्यों पड़ा हुआ बैठो यहाँ पर सब गद्दे के ऊपर बैठना चाहते हैं हाँ सब पीछे जो आगे आगे, आगे बढ़ जाए पीछे लोग अरे इसे जगह कोई खाली नहीं रहनी चाहिए सब कैसे बैठे सब गद्दे के ऊपर बैठना चाहते हैं नरम होकर बोल रहे सब कोई सरक नहीं रहे आगे आ जाओ के सब और आगे आ जाओ जो पीछे बैठे ना माता है सब आगे आ जाओ खाली जगह है पीछे माता है सब आगे आ जाएंगे एक बार हाथ उठा कर बोलो बोले हरे कृष्णा क्या खाली बोलते हैं कृष्णा कृष्णा पीछे जो माता है आगे आ जाओ हरे राम हरे राम 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 और एक बार बोलो जितने पीछे माता है ना आगे आकर बैठ सकते हो यहाँ पर खाली जगह है कोई सरकना नहीं चाहते सब आगे आ जाओ माता पीछे जो माता है ये आगे आ जाओ जगह खाली पड़ी है बैठ जाते हो सब एक बार और हाथ उठाओ बोले हरे कृष्णा देखा बोले नहीं तो वो जो टोकरी बच गई ना तेरे को खाना पड़ेगा राजा आकर देखते हैं वो माताजी सचमुच से ध्यान देख रहे सब सुनो माला लेकर के बैठी हुई और हरिनाम कर रही आंख बंद करके इतने में राजा अपना भेष को बदला करके आया आकर के बोले माताजी तुमने सुना है वो राजा क्या कर रहा है इतना बोलते ही वो माताजी तो बिगड़ गई बोले दुष्ट राजा मैं अपना भजन का प्रताप से सब कुछ जानती हूँ सब कुछ मैं जानती हूँ वो संत जब तेरे घर में आए थे भिक्षा लेने के लिए तुमने घोड़े का लीड दिया था ना संतों को घोड़े का लीड देते हैं वो जो एक टोकरी बच गई तेरे को खाना पड़ेगा मैं किसी की कभी चुगली निंदा नहीं करती हूँ मैं तो दिन भर बैठ करके भगवान की भजन करती हूँ खबरदार मेरे से चुगली निंदा मत करवाया करो इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं अगर जिसकी चुगली करोगे ना उसका सारे पाप आकर तुम्हारे सब पाप तुमको भोगना पड़ेगा इसलिए महाप्रभु कहते हैं कहर ना करे निंदा कृष्ण कृष्ण बोले अजय चैतन्य सही तारी वे कहले मतलब है महाप्रभु को जितना बड़ा कठिन है लेकिन उनको कौन जीत सकता है वही जीत सकते हैं जो कभी किसकी चुगली नहीं करती है और दिन भर भगवान के भजन करते ठीक है ना कभी जिसकी चुगली निंदा नहीं करने का अगर कोई संत को अगर चुगली करोगे वो तो इतने बड़ी पाप जो सोच नहीं सकते हो संतों को चुगली करना निंदा करना इससे बड़ा पाप दुनिया में कुछ नहीं इसलिए 10 तरह का अपराध में पहला नंबर है कभी किसी साधु संतों की निंदा मत करो दूसरा नंबर अपराध बोले गुरु जी की कभी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए इसलिए कृष्ण कहते हैं उद्धव आचार्य मांग बिजनिया जो गुरु जी को मेरा ही रूप मानना गुरु जी को मेरा ही स्वरूप मानना मैं जब किसी जीव को पर कृपा करना चाहता हूँ मैं ही इसी गुरु रूप में किसी जगत में आकर के शिक्षा देता हूँ इसलिए कभी भी गुरु जी की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए इसलिए बोले गुरु जी का जो सेवक होता है ना चार तरह के कितने तरह के चार बोले पहला नंबर गुरु जी का जो सेवक पहला नंबर सेवक कौन है जो फास्ट नंबर बोले फास्ट नंबर उसकी कहते हैं जो गुरु जी की इच्छा को जान करके जो सेवा करते हैं इच्छा जान करके जो उनकी सेवा बोलने से पहले कर दे बोलने से पहले जो उनकी सेवा कर दे उसको कहते हैं ये पहला नंबर सेवक है बोले सेकेंड नंबर सेवक कौन है बोले बोलने पर बड़े आदर पूर्वक प्रीति पूर्वक बोलने पर जो सेवा करते हैं कभी ये मध्यम है बोले तृतीय नंबर बोले बोलने पर भी जो नहीं करते हैं
इसलिए बोले सेबक, अगर सेबक से तो हटा दो क्या रह जाएगा, बक। कहते वो सेबक नहीं, वो बबुला है, वो बबुला सेबक है, वो सेबक नहीं है। इसलिए पहला नंबर है, देखो शास्त्र में बताए जैसे भगवान को प्रेम करते हो उससे जो ज्यादा गुरु जी को जो प्रेम करते हैं, बोले ये पहला नंबर का सेवक है। इसलिए हम डायरेक्ट भगवान की कोई कोई कहते ना, अरे गुरु जी की सेवा की गुरु जी की कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट भक्ति करें, बोले नहीं। जितने पहले भगवान के प्रति तुम्हारी प्रीति नहीं होगी, क्योंकि हमने भगवान को देखा नहीं, ठाकुर जी को हमने नहीं देखा, हम किसको देखा, गुरु जी को देखा है। पहले तुम्हारी प्रेम गुरु जी से होगी तुम्हारी, फिर गुरु जी का जब जितना प्रेम करेंगे वही प्रेम को बदला करके हम ठाकुर जी में लगा सकते हैं। इसलिए कहते यहाँ गुरु अवज्ञा ये दूसरा नंबर है, कभी गुरु जी को अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। बोले तीसरा नंबर क्या है, बोले कभी भी भगवान को साथ में दूसरे देवा देवी का कभी बराबर मत करो। अरे जो शंकर वही माता जी वही हनुमान, अरे वही तो भगवान कृष्ण, बोले नहीं, भगवान के बराबर कोई हो ही नहीं सकते हैं। ठाकुर तो दुनिया का मालिक है, शंकर जी उनके सेवक है, माता उनकी दासी है, हनुमान जी उनके सेवक है। इसलिए भगवान की बराबर किसी देवा देवी को नहीं करनी चाहिए। जैसे राम दरबार लगा हुआ, हनुमान जी कहाँ बैठते हैं बताओ, कहाँ बैठ राम दरबार में हनुमान जी कहाँ बैठे हुए रहते हैं? अगर कोई बोल दे हनुमान जी वही राम है, ये पाप ना पुण्य है, बोलो पाप है ना। अगर बोल दे नहीं जो शंकर वही ब्रह्मा वही कृष्ण, नहीं कभी नहीं बोलनी चाहिए। भगवान को साथ में किसी देवा देवी को बराबर नहीं करनी चाहिए, वो सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ भगवान। इसलिए कृष्ण अर्जुन में अर्जुन को विराट रूप दिखाए, अर्जुन देख मैं कौन हूँ, मेरे से कोई पर तत्व जगत में नहीं, ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड जितने सी ब्रह्मा दुर्गा काली देख इंद्र चंद्र सब मेरे अंदर में बैठे हुए, मेरी इच्छा से ही विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति पर मेरी इच्छा थी। इसलिए कभी भी दूसरे देवा देवी को भगवान को साथ में बराबर नहीं करनी चाहिए। और कहते ये कितना नंबर है, तीसरा नंबर ऐसे ही बताए भगवान का नाम को, जैसे बताया ना भगवान का नाम ये चिंतामणि, एक भगवान का नाम में इतने शक्ति इतने पाप को नष्ट करता है, पापी को हिम्मत नहीं उतना पाप कर सकता है, एक नाम में इतने शक्ति। इसलिए नाम की महिमा को अति स्तुति नहीं माननी चाहिए। अरे भगवान का नाम को तो बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं, नहीं बढ़ा चढ़ा कर नहीं, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम ही भगवान, नाम में कोई भिन्न नहीं। कहते ये 10 तरह का अपराध में बताए, अगर हम कोशिश करें ये 9 तरह का अपराध को हम त्याग दे सकते हैं, लेकिन एक जो अपराध उसको त्याग देना बड़ा कठिन। बोले कौन सा, बोले ये शरीर को मैं और ये शरीर संबंधी वस्तु को मेरा, मैं और मेरा, तू तेरी ये माया, कभी ये चीज को छोड़ना बड़ा कठिन है। बोले भैया इसको कैसे छूटेगी, बोले एक उपाय है, अगर कोई 24 घंटा में 24 घंटा भगवान के नाम को जप करे फिर तुमको ये अपराध करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए महाप्रभु बोले सोते उठते बैठते समय क्या करो, हाथों में काम करो और मुंह में ठाकुर जी की नाम, हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी की नाम, अगर इतना कर लोगे ना बस तुम्हारी बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए हर समय एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अगर हर नाम हर समय करेंगे हमारे अपराध दूर हो जाएगा, और जो कुछ ये हरि नाम से मांगोगे ना ये हरि नाम तुम्हें वही प्रदान करेगा। बोले श्री हरिनाम संकीर्तन की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की जय, जय श्री राधे। बालक भजन एक भजन सुन लो, गोविंद हरि लाल की जय, जय श्री राधे।
कि सब द्वार छोड़ के मैं आयो तिहार द्वार इस धाम की लगनी लेकिन वृंदावन रसिक जन सुमिरत दुल्हन प्यारी राधिका के दुल्हा श्याम सुजा तो ये वृंदावन कौन बन जाएंगे तो आइए वृंदावन चलते हैं। कन्हैया कुछ देर पहले ही वृंदावन गए हैं गोकुल से। वो मेरे मुठे की रहती की सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे मुठे की रहती
Oh,
तारीख को एक कर देते हैं, आज थोड़ी है, आज सिर्फ थोड़ा सा क्या आवाज बंद कर नहीं जा रही है, क्या बोलना है आपको? ये कौन बोलते हैं? ये हुई जब आप समय पर हाथ खाने हाथ उठाने, अच्छा किसके पास हाथ है वो उठाए ना हो तो कोई बात नहीं, हाथ किसके पास है और हाथ उठाकर आपको क्या बोलना है? सब लोग बोले के ताली बजाते हैं, प्यार से बोलो, प्यार से बोलो, ताली बजाते हैं, Ram 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 Ram
स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अहितु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद समस्त गुरुवर के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ और उन सभी की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद हमारे पूज्य पाद कथा व्यास श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, महाराज जी की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। और श्रीमद भागवत के चरण कमलों का आश्रय लेते हुए जितने भक्त लोग यहाँ पर आए हुए हैं, माताएं लोग, प्रभु लोग, दीदी लोग, सभी के चरणों में यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हम पिछले 6 दिनों से बहुत आनंद से भगवान की कथा सुन रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं और हमारे भक्त लोग ये बोल रहे थे प्रभु जी कब दिन निकल रहा है, कब रात हो रही है, पता ही नहीं लग रहा। तो इतना आनंद हो रहा है और ये बहुत आनंद भी हो रहा है और थोड़ा दुख भी हो रहा है। फिर दुख क्यों हो रहा है? बोले कि आज कथा का विश्राम दिन है, कल को यही हॉल होगा बिल्कुल, यहाँ पर 10 के 10 ऐसे लगे रहेंगे, हॉल भी यही होगा, बाहर भी यही होगा, पर कल क्या होगा यहाँ पर महाराज जी नहीं होंगे। और हम सब लोग जो समय इतना समय निकाल के आ रहे हैं, सब कुछ कामों को छोड़कर आ रहे हैं, वो लोग हम कल हम इस चीज़ को मिस करेंगे कि हम 7 दिन में हमने क्या आनंद पाया। अभी हमें इस चीज़ का अनुभव नहीं हो रहा है, जब महाराज जी यहाँ से जाएंगे और 7 दिन में रथ यात्रा में क्या आनंद आए, भगवान की जन्माष्टमी में क्या आनंद आया और भगवान की कथा में क्या आनंद आया, ये हम उस दिन अनुभव करेंगे। अगर पूरा जीवन ही जीवन ऐसा निकल जाए तो कितने आनंद की बात है। तो ये श्रीमद् भागवत कथा हर बार जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ पर होती है सेक्टर 55 में। और क्यों होती है? क्योंकि भगवान कृष्ण की सबसे प्यारी चीज़ है, जन्म बर्थडे पे ना सबसे प्यारी चीज़ देनी चाहिए किसी को। बर्थडे किसी का भी बर्थडे हो ना, अगर किसी को शुगर है और आपको उसको रसमलाई और रसगुल्ले और सारी मीठी मीठी चीज़ दे दो, खा भी नहीं पाएगा तो क्या होगा। इसलिए जिसका भी बर्थडे आता है तो उसको क्या दिया जाता है, उसकी सबसे प्यारी चीज़। तो भगवान कृष्ण का जन्मदिन आता है जब जन्माष्टमी, उसको सबसे प्यारी चीज़ दी जाती है। क्या भगवान की सबसे प्यारी चीज़ है? भगवान की कथा। इसलिए भागवत में आया तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। ये कथा एक ऐसी चीज़ है, अगर यदि मानो भगवान हमें छोड़ के चले भी गए और भगवान अभी है भी नहीं हमारे हृदय में, बस भगवान की कथा करो, कथा करते हुए क्या होगा, स्वयं भगवान अपने आप चले आएंगे। इसलिए भागवत कथा, ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, ग्रंथ के रूप में रखी हुई है कि देखने में लग रहा है एक साधारण वस्तु है, पर साधारण वस्तु नहीं है भागवत। भागवत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो। आप यहाँ पर आ रहे हो, कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन विनत रहत उदात, किसी में किसी प्रकार का क्लेश है, किसी की बच्चे की शादी नहीं हो रही, किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी को पैरालाइज हो गया, किसी को आंखों से नहीं दिख रहा, किसी को क्या समस्या है, किसी क्या। पर भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, यहाँ पर आने से ही जगत की सारी समस्याओं का समाधान इसमें। देखने में क्या लग रहा है, साधन। स्वर्ग जाना चाहते हो स्वर्ग भी जा सकते हो, ब्रह्मलोक जा सकते हो, गोलोक भी जा सकते हो, वैकुंठ लोक भी जा सकते हो और सारे क्लेशों को दूर कर सकते हो श्रीमद् भागवत। परंतु इसे देखने में क्या लग रहा है, एक साधारण सा ग्रंथ है, जैसे कि इसकी महिमा हम लोग जानते हैं। जो यहाँ पर जो कथा सुनने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग काफी दूर से आते हैं और समय से आ जाते हैं, 5 बजे आ जाते हैं और लोग 10 बजे 11 बजे भी जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको उसकी महिमा को पता है, और जिसको महिमा नहीं पता वो पास में भी सामने वाले मकान से भी नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान की जिसके ऊपर कृपा होती है वही कथा में आ पाते हैं। समय सबके पास 24 घंटे है, जगत में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास 25 घंटे हैं। उस 24 घंटे में सब अपने अपने आप को व्यवस्थित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, 1 घंटा किसको देना है, 2 घंटा किसको देना है, नौकरी में कितना देना है, पत्नी को कितना देना है, बच्चे को कितना देना है, सभी के पास 24 घंटे हैं। और बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो 24 घंटे में 24 मिनट भी भगवान के लिए देते हैं। पर आप तो बड़े सौभाग्यशाली हो, पिछले 7 दिनों से 24 घंटे में से 3 घंटे तो दे ही रहे, 5 बजे आते हो 10 बजे जाते हो, 5 घंटे तो आप दे रहे। तो बहुत सौभाग्यशाली हम लोग हैं। भगवान की कथा है देखो कैसे शक्तिशाली है और कैसे प्यारी है।
भगवान की कथा जैसे मैं बता रहा श्रीमद् भागवत कथा का जब तक महत्व नहीं सुनेंगे, महिमा जब तक पता नहीं लगेगी तब तक हम इसको सुनने के लिए नहीं आएंगे। मैं कई बार एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा समझाने के लिए दे रहा हूँ कि हम लोग आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो, क्योंकि आप बहुत सौभाग्यशाली हो। बड़े पुण्य आत्मा होती है जो भगवान की कथा की तरफ जिनके चरण कमल चलते हैं कि आज हमें कथा में जाना है, महाराज जी आए हैं, इनका दर्शन करने जाना है। इतनी इच्छा होना भी बहुत जन्मों के बाद, कोटि कोटि जन्मों के बाद जाते हैं। तो ऐसी जो इच्छा आई क्यों आई, क्योंकि भगवान की हम पे कृपा हुई है। जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पर थोड़ी गर्मी लगी है परंतु फिर भी सहन कर रहे हैं लोग, बहुत सौभाग्यशाली है, उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। ये कैसे भागवत की महिमा को कैसे समझेंगे, देखो मैं बता रहा जैसे ग्रंथ रखा है ना इसकी महिमा को साधन पता नहीं लग पा रहा, और जिनको पता है कैसे, मैं एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा आप लोग समझेंगे। एक 5 साल का बच्चा है ना, 5 साल का बच्चा, उसको 100 रुपये का खिलौना दे दो, 100 रुपये का खिलौना। कार में चाबी भरते ना पहले आते थे और कार ऐसी चलती है और फिर ऐसे वापस आती है। एक 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा किसको लेगा, एक सोने की ईंट रख दो 5 किलो की ईंट और एक खिलौना रख दो 100 रुपये का, और बच्चों के पास दोनों चीज़ रख दो तो बच्चा किसको लेगा, अरे आप लोग किसको लोगे, क्योंकि खिलौना तो चल भी रहा है और आवाज़ भी आ रही है, ऐसे ऐसे चल रहा है, पीछे घूम के आ रहा है, और सोने की ईंट चल भी नहीं रही है, वहीं पड़ी है, तो आप किसको लोगे, क्यों हा? क्योंकि खिलौना है 100 रुपये का, 100 रुपये का, पर जो सोने की ईंट जो रखी है उसमें इतने खिलौने आ जाएंगे, एक खिलौना नहीं 100 खिलौने 1000 खिलौने आ जाएंगे, यहाँ तक कि 5 किलो की सोने की ईंट में जो असली नकली खिलौना है वो गाड़ी भी असली गाड़ी आ जाएगी, मकान भी बन जाएगा आपका और पैसे ही बच जाएंगे। जो व्यक्ति महिमा समझता है वो ईंट पड़ी है, ईंट चल भी नहीं पा रही, घूम भी नहीं पा रही, पर खिलौना चल चल के आ रहा है। इसलिए हम जैसे बहुत सारे जगत में लोग हैं वो खिलौनों में ही खेल रहे हैं, कोई मॉल में जा रहा है, कोई हॉल में जा रहा है, कोई मार्केट में जा रहा है, ये सब खिलौने हैं। और भागवत क्या है, सोने की ईंट है। अरे अभी देखने में आए कपड़े में बंद है और फूल की माला चढ़ी हुई है और चलने नहीं, जगत में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो भागवत में जिसका समाधान ना हो। सारे क्लेशों को हरण करने वाली श्रीमद् भागवत कथा है। अशोक अभय अमृत आधार, सारे प्रकार के शोकों को नष्ट करती है, अमृत को देने वाली है और आनंद को देने वाली है, यहाँ तक कि भगवान को भी देने वाली क्या है, ये श्रीमद् भागवत कथा है, भगवान को भी दे देती है कथा। इसलिए कथा बड़ी शक्तिशाली है, और जैसे भगवान की कथा है ऐसे ही भगवान है। भगवान में और श्रीमद् भागवत में बिल्कुल एक ही समान है, कोई अंतर नहीं है। इसलिए भागवत की महिमा में बताया तमादि देवम करुणा निधानम तमाद वर्णम सुहिता अवतारम अपार संसार समुद्र सेतुम भजामहे भागवत स्वरूपम। जो तमादि देव, तमादि देवम करुणा निधानम, करुणा करके वो भगवान क्या है, तमाल वर्णम, तमाल वर्णम होते काले अक्षर जो भागवत में लिखे हुए ना, भगवान ही कृपा करके जगत में भागवत के रूप में आए हैं। और क्या करते हैं, तमाल वर्णम सुहिता अवतारम, सारे जगत का हित करने के लिए भगवान भागवत के रूप में आए, सारे जगत का मंगल हो इसके लिए भगवान भागवत में आए। जब भगवान श्री कृष्ण जब कलि द्वापर में जगत को छोड़कर गोलोक में गए तो भागवत को रख के गए, क्योंकि तो भागवत ऐसी नौका है इसका सारा लेके जगत संसार के सभी जीव क्लेशों को दूर करके मेरे धाम आ सकते हैं। पर बड़ा दुर्भाग्य हमारा ऐसी भागवत कथा में रुचि नहीं है। फिर भगवान क्या करते हैं, बार बार आते हैं जगत में, कभी नरसिंह के रूप में आते हैं, कभी वामन के रूप में आते हैं, कभी राम के रूप में आते हैं, कभी मत्स्य के रूप में आते हैं, कभी कल्कि का रूप लेके आते हैं और कभी कृष्ण का रूप लेके आते हैं भगवान, क्योंकि देखते हैं कि मेरे जो भक्त हैं वो मेरी भागवत को सुन नहीं पा रहे, तो भगवान क्या करते हैं, बार बार जगत में अवतार लेके आते हैं और सुंदर सुंदर उपदेश देके जाते हैं। त्रेता युग में राम जी आए, त्रेता में आए सब लोग का उद्धार करके ले गए, फिर सतयुग में आए मत्स्य अवतार आए, आदि आदि अवतार आए वो भी सत्ययुग में सबका उद्धार करके ले गए, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए और वो सबका उद्धार करके ले गए। और कलयुग में क्या है, कलयुग में हमारे चैतन्य महाप्रभु भी आए
और स्वयं भक्तों को लेकर आए। वो जानते हैं कि हम भगवान को भूल गए हैं, तो भगवान देखो इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं भगवान, भगवान हमारा पीछा छोड़ते नहीं। कैसे? जैसे एक माँ से बच्चा रूट के घर छोड़ के चला गया, माँ को पता है मैं इसकी रक्षा कर सकती हूँ, मैं इसको खिला सकती हूँ, मैं इसको दवाई दे सकती हूँ, मेरे अलावा सुखी नहीं रहेगा। बच्चा घर से बाहर निकल गया, करोड़पति बाप का बेटा है, पर आज क्या कर रहा है? चाय की दुकान पे बर्तन मांज रहा है, किसी होटल पे खाना बना रहा है, माता पिता से रूठ गया है। तो माता पिता क्या करेंगे कि मेरा बच्चा ना किसी तरह घर लौट के आए, बेटा देखो यहाँ पर एसी भी लगा हुआ है, डाइनिंग टेबल, बेडरूम है, दवाई है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत, तुम घर लौट आए हो। पर बच्चा क्या कर रहा है? बच्चे ने हड़ताल कर दी है, माँ के पास नहीं जाऊँगा। अब माँ बड़ी दुखी है, शक्तिशाली भी है पर बड़ी दयालु है, कैसे कैसे उपाय करके बच्चा मेरे पास आए। तो कभी तो किसी को भेजती है लाने के लिए, कभी किसी को भेजती है लाने के लिए, ऐसे भगवान भी बड़े दयालु है। हम सब उनकी संतान है और सब भूल गए भगवान को, सब भूल गए भगवान को। इसलिए कोई तो चाय की दुकान पे काम कर रहा है, कोई ठेली का काम कर रहा है, कोई छोटा मोटी नौकरी कर रहा है, छोटा मोटा अपने पेट भरने के लिए काम कर रहा है, पर हम उस प्रभु की संतान है जो सच्चिदानंद रूपाया विश्वादि हेतवे, जो आनंद के निधान है, जो करुणा के सागर है और जो सुख के सागर है, जिनके चरण कमलों का आश्रय लेते हम आनंदित हो सकते हैं, पर उनके भूलने के कारण दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और एक जन्म से नहीं, दो जन्म से नहीं, 84 लाख योनि में भटक रहे हैं, कोटि जन्मों से भटक रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं? कभी अवतार लेके आते हैं, कभी श्रीमद् भागवत को भेजते हैं और कभी संतों को भेजते हैं। जानते कि ये कथा सुनेंगे नहीं और भागवत पढ़ेंगे नहीं तो क्या करें? संतों को भेजते हैं। संत भगवान का ही एक रूप है और भगवान की ही वाणी को लेकर आते हैं और हम लोगों को प्रेम से प्रीति से जगाते हैं और बोले उठो रे उठो भाई, आ तो समय नहीं। अरे उठो भाई समय ज़्यादा नहीं है, बहुत कम समय है, मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, अधिक समय हम नहीं रहेंगे। इस समय कोई 5 साल का बच्चा मर रहा है, कोई गर्भ में ही मर रहा है, कोई 10 साल का मर रहा है, कोई 20 साल का व्यक्ति मर रहा है एक्सीडेंट से, कोई बीमारी से मर रहा है, कोई कैंसर से मर रहा है, कोई टीबी से मर रहा है। तो इस समय का बहुत ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है और जो ये मनुष्य जन्म मिल गया है ज़्यादा समय रहेगा नहीं, कभी भी जा सकता है। तो क्या करें? उठो रे उठो भाई, जल्दी उठो, जागो। भगवान प्रभु जो दया के सागर है, करुणा के निधान है और आनंद के सागर है, उसकी शरण में आओ और उस प्रभु की सेवा करो। अगर भगवान की आप सेवा करोगे, भगवान से जो प्रेम जो ढूंढ रहे हो संसार में 84 लाख योनि से, हम जिस भी यहाँ पर हर व्यक्ति खोज रहा है प्रेम, चींटी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, गधा हो, ऊंट हो, या देवता हो, या मनुष्य हो, सभी व्यक्ति प्रेम के भूखे हैं यहाँ पर। और हम लोग देख रहे जगत में सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? व्यक्ति आत्महत्या कब करता है? जब व्यक्ति को कोई नहीं रहता, पत्नी छोड़ दे और बच्चे छोड़ दे, संसार के सब लोग इग्नोर करने लगे, तो उसके पास क्या उपाय है? सिर्फ एक बार सुसाइड का। तो हम लोग इस संसार में प्रेम ढूंढ रहे हैं, प्रेम मिल नहीं रहा, इसलिए रोज मर रहे हैं, रोज जन्म ले रहे हैं। तो गुरु आते हैं, संत आते हैं, कहते भैया उठो, प्रेम यहाँ नहीं मिलेगा। प्रेम कहाँ मिलेगा? जो प्रेम के सागर है भगवान श्री कृष्ण है, जो बार बार जो कल्याण करने के लिए अवतार लेके आते हैं, वो प्रभु आपका इंतजार कर रहे हैं बहुत जन्मों से। कहते मेरी संतान कब मेरे पास आएगी, कब मेरे को प्रेम करेगी और कब इस संसार के दुख से, शोक से, रोग से, भय से, मृत्यु से, बुढ़ापे से, क्लेश से कब दूर होगी। वो प्रभु बड़े चिंतित है हमारे लिए और वो प्रभु बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं हमारे लिए। कभी कथा का आयोजन करते हैं, कभी अवतार लेके आते हैं, कभी संतों को लेके आते हैं। जैसे कल भक्ति विदान स्वामी महाराज जी का कल जन्म हुआ, उनका जन्म हुआ, वो विदेश में गए, विदेश में हर वस्तु की कमी नहीं है, वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर एसी है, बहुत सुंदर लग्जरी गाड़ी है, पर वहाँ भी क्या है? प्रेम का अभाव है, सुख का अभाव है। वहाँ स्वामी महाराज जी गए और बड़े बड़े हिप्पियों को, शराबियों को और बड़े बड़े सुसाइड करने वाले को उन्होंने जीवन दान दिया और प्रभु की शरण में लेके आए। तो वो कभी भगवान अवतार लेके आते हैं, कभी गीता के रूप में आते हैं, कभी भागवत के रूप में आते हैं और कभी संत के रूप में आते हैं और वो हम लोगों को जगाते हैं। इसीलिए ये आयोजन किया गया, हम लोग जागे और इस प्रभु का, भगवान का दयालु प्रभु है जो हमें सुख देना चाहते हैं और हमको प्रेम देना चाहते हैं और हमको जो आनंद देना चाहते हैं, उनकी हम शरण में जाएं। यही मैसेज भागवत कथा में महाराज जी बार बार यही दे रहे हैं
इसी के लिए उनका अवतार हुआ है। जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला कैला सुविस्तार, जीवों पे दया करने के लिए इस जगत में वो प्रभु आते हैं और सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। कभी माखन की लीला करते हैं, कल देख रहे थे क्या आनंद दे रहे हैं किसी को, कभी रास लीला करते हैं, कभी बंसी बजाते हैं, कभी कुछ करते हैं। मेरी बातों को सुनो, मेरी वाणी को सुनो, जो मेरी वाणी को सुनेगा यार मधुर आया गिरा वलगु वाक्या। मेरी वाणी को एक बार सुन के देखो, मेरी बंसी को एक बार सुन के देखो, मेरा एक बार मौका, तुमने जगत में बड़ा प्रेम ढूंढा पर मेरे को प्रेम करके देखो। अगर जगत के सारे बंधन सारे क्लेश सारे दुख अगर मिटाने हो भगवान कहते हैं तो फिर मेरे को आप बोलना। तो वो भगवान बड़े दयालु हैं और उन्हीं की शरण में आने के लिए भागवत का आयोजन किया गया है। आप ही सब लोग महाराज जी की बातों को सुन रहे हैं, आ रहे हैं, आप बड़े ही सौभाग्यशाली है, बड़े ही पुण्य आत्मा है। मैं ज्यादा समय नहीं है कथा को यहाँ विराम दूंगा, पर विराम देने से पहले एक बात बोलूंगा, ये जो कथा का आयोजन हुआ है इसमें बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया है और हम उस लोगों का बहुत धन्यवाद, किसी का कर पा रहे हैं किसी का नहीं कर पा रहे, पर मैं यहाँ गुरु जी के चरणों में महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर जी के चरणों में, जिसने हमको एक माचिस की तिल्ली भी दी है ठाकुर की सेवा में, अगर उनको सामने आए नहीं आ पाए उन पर भगवान बहुत कृपा करेंगे। जिन्होंने हमें एक बाती भी दी है, अगरबत्ती भी दी है और जिन्होंने हमें चावल का एक दाना भी दिया है या आटा भी दिया है, सब पे वो प्रभु दया करेंगे। वो बड़े दयालु हैं, बड़े ही शक्तिशाली हैं, बड़े करुणा के सागर है। तो और बहुत सारी माताओं ने जो अशोकनगर से और इधर उधर से 55 से माताएं आई महाराज जी के लिए, पूरा रसोई बना रही हैं, सेवा कर रही हैं और बहुत सारी टीम है। हमने उसकी थोड़ी सी लिस्ट बना पाए, ज़्यादा नहीं बना पाए, हमारे अतुल अग्रवाल जी अनाउंसमेंट करेंगे बाद में, और बहुत सारे भक्तों ने योगदान दिया उसमें, तो हम उसको थोड़ा संक्षिप्त करेंगे। पर मेरी एक प्रार्थना है आपसे, जिन लोगों का हम नाम नहीं ले पा रहे हैं, नाम आया नहीं है, वो थोड़ा सा भगवान तो जैसे ही, जैसे आज के क्या होता है, जैसे जॉब करोगे सैलरी अपने आप अकाउंट में आ जाती है, ऐसे जो सेवा करता है उसके अकाउंट में अपने आप भगवान की कृपा आ जाती है, चिंता मत करो। जरूरी नहीं है बोलना, पर हाँ जिनका हमने नाम ले पा रहे हैं वो हम लोगों को क्षमा करेंगे। और मैंने इस आयोजन में बहुत लोगों को कष्ट दिया है, माता जी ये करो, प्रभु जी ये करो, बहुत सारे भक्तों को कष्ट दिया है, और हम आप लोग मेरे को क्षमा करेंगे। मेरा उद्देश्य कष्ट देना नहीं था, सिर्फ सेवा कराना था। और जो लाइन लगाना, लाइन लगा के प्रसाद की व्यवस्था जो हम लोग कर रहे हैं उसमें लाइन लगा के कष्ट देना उद्देश्य नहीं है, उसमें उद्देश्य किसी तरह सही रूप में व्यवस्थित होकर सब पे प्रसाद आ सके। तो बहुत सारी माताएं, बहुत सारे प्रभु लोग शरीर स्वस्थ भी नहीं है और लाइन में लगते हैं, उन बहुत धन्यवाद मैं उनका करता हूँ और उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। परंतु मैं एक और बात, जो लोग वृद्ध हैं और जो लोग किसी रूप में असमर्थ है लाइन में लगने के लिए, वो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको अलग से व्यवस्था करा सकते हैं। पर लाइन लगाने की व्यवस्था सिर्फ इसीलिए है आप लोगों को सभी को प्रसाद मिल सके, अगर यदि लाइन नहीं लगाएंगे ना प्रसाद मिलेगा नहीं और सभी लोग एकदम टूटेंगे, किसी भी प्रसाद नहीं मिलेगा। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और महाराज जी साथ में करता हूँ। हरे कृष्णा। एक प्रभु जी हमारे दिल्ली से आए हैं, श्री रोहिणी सुत प्रभु जी, वो कुछ हरि नाम को पर भी कुछ थोड़ी सी आपको सुनाएंगे। रोहिणी सुत प्रभु गुरु गौर चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि विधवत प्रणाम करते हुए उनसे कृपा प्रार्थना करता हूँ। मंजा सिंह पूज्य पाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो कृपा करें मुझ पर एवं उपस्थित वैष्णव वैष्णवी गण के चरणों में यथा योग्य विधवत प्रणाम। महाराज जी का आदेश हुआ है कि श्री नाम महिमा पे कुछ बोलने के लिए, जैसा कि अभी प्रभु जी ने बड़ी सुंदर कथा करी और भागवत के मर्म को अपनी चेष्टा से पूर्णता हमें देने का प्रयास किया है, पर एक चीज जो यहाँ जैसे महाराज जी हमें देने का प्रयास कर रहे हैं, प्रभु जी ने भी अपनी कथा में सार रूप में देने का प्रयास किया है, साथ ही साथ हमें भी, मुझे भी देखना है कि मैं क्या प्रयास कर रहा हूँ। एक उदाहरण, एक व्यक्ति क्या बोलते हैं उसको, हींग की फैक्ट्री में गया, घूम के आया, बाहर आया, उसमें कौन सी सुगंध आएगी, कमल की,
आएगी नहीं आएगी हींग की। कोई गटर में गिर गया बाहर निकला कैसी खुशबू आएगी उसके अंदर से, बदबू आएगी ना। समझ में आ रही बात? वैसे ही सात दिन इस भागवत कथा के सागर में गोते लगा रहे हो तो जब निकल के जाओगे तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इसी भागवत की खुशबू एक एक जन के अंदर से आनी चाहिए, चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो। जिसने भी थोड़ा सा भी मन लगा के, प्रभु जी बता रहे थे 5 बजे से लेकर 10 बजे तक यहाँ बैठे हो, अपने सारे काम छोड़कर आए हुए हो, खाना बनाना ये करना वो करना सब कुछ छोड़ के जब आप यहाँ आए हो, पूरे तन्मय होके इस भागवत कथा को श्रवण कर रहे हो तो क्या होना चाहिए? इस भागवत कथा रूपी जो ये सागर है, अमृत रूपी सागर है, इसकी खुशबू थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए। और क्या कह रही है ये भागवत कथा? ये भागवत कथा क्या कह रही है? जो भागवत का सार है वो क्या है? केवल और केवल क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। इस जगत में सारी माता बहने, यहाँ प्रभु जी भी, सबको पता है। अगर एक एक से पूछने लगा ना कि अपने जीवन में आज तक आपने किस पुरुष या किसी व्यक्ति को प्रसन्न कर पाए हो तो कोई भी कोई नाम नहीं बता पाएगा। माताएं अपने पति को देख लो या माता पिता को देख लो, किसी को भी देख लो, हमने पूरी चेष्टाएं कर ली है उनको प्रसन्न करने के लिए, क्या वो प्रसन्न हुए हैं हमसे? चाहे 2:30 बजे रात के रोटी मांगे, चाहे दोपहर को 2 बजे गरम गरम तवे से उठ के आनी चाहिए, कैसे भी कुछ भी कर लो, क्या किसी को प्रसन्न कर पाए? 100 काम करते हैं, 99 बिल्कुल सही करे हैं, 99.5 हमने सही किया, आधा काम या थोड़ा सा सवा काम सा रह गया उसी की गाली सुनने को मिलती है, तो क्या हम इस संसार में किसी को प्रसन्न कर पा रहे हैं? नहीं। पर ये भागवत हम बता रही है कि भगवान को प्रसन्न करना सबसे सरल काम है। और हम क्या सोचते हैं, मेरे जैसा व्यक्ति क्या सोचता है, ये सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक काम है। क्यों? साधु बनना पड़ जाएगा, घर संसार छोड़ना पड़ जाएगा। पर क्या अभी तक महाराज जी ने 7 दिन में और प्रभु जी ने भी अभी तक सार में कहीं पे ये बोला कि अपना घर छोड़ो, अपना काम छोड़ो? कुछ भी नहीं बोला ऐसा कि छोड़ो छोड़ो। क्या बोला? करो करो, 24 घंटे हैं आपके पास, 10 मिनट से शुरू करो, 15 मिनट करो, 20 मिनट करो, 25 मिनट करो, जितने ज्यादा करते जाओगे समझना उतना ही भगवान को प्रसन्न करोगे। तो वो सबसे सरल तरीका क्या बताया गया? नाम संकीर्तन। केवल और केवल भगवान का नाम लेना है और भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। इस जगत में भी हम क्या करते हैं, माताएं क्या कर रही हैं, पति को कैसे प्रसन्न करने की कोशिश कर रही हैं? खिला पिला के, और दूसरा क्या करते हैं, गुणगान गाओ किसी को। वही कार्य अगर हम भगवान के साथ करें, भोग लगा के तो हम खा ही रहे हैं, भगवान को अच्छा अच्छा बना के खिलाओ। कल एकादशी है तो भगवान को कल क्या भोग लगाओगे? कुट्टू के आटे की पकौड़ी, आलू की सब्जी और फल। क्यों? कल हमारा एकादशी है तो भगवान को भी रखवाएंगे। नहीं, उल्टा ये सोचो, कल एकादशी है, कल जो भी अन्न बनेगा वो मैं नहीं खा पाऊंगा या खा पाऊंगे, तो कल मैं सबसे चकाचक प्रसाद बनाऊंगा, मटर पनीर मलाई कोफ्ता ये वो, और भर दूंगी 56 भोग। क्यों? कल कोई खा ही नहीं पाएगा, केवल भगवान ने ही खाना है। ठीक है? और नाम कैसे करूंगी, नाम कैसे करूंगी? सबसे ज्यादा नाम एकादशी वाले दिन बैठ के करूंगी, क्योंकि भगवान ने, जैसे प्रभु जी बता रहे थे ना कि भगवान अवतार लेते हैं, ऐसे ही अलग अलग जो युग है, कितने युग हैं? 4। कौन कौन से बेटा? सतयुग और कलयुग। उल्टा उल्टा कर दिया, ऊपर से नीचे आ गए, नीचे से ऊपर चलते हैं। कौन सा? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। एक एक युग का अपना अपना एक धर्म है। धर्म, ये शब्द धर्म हमने बचपन से सुना, ये भारतीयों को ना एक उपहार मिला है कि ये धर्म शब्द हम पैदा होते ही सुनते आ रहे हैं, पर बिना गुरु वैष्णवों की कृपा के हम इस धर्म शब्द का अर्थ नहीं समझ पाए।
तो जरा सा बस दो सेकंड लेंगे धर्म शब्द का अर्थ समझने के लिए। तो धर्म शब्द का अर्थ क्या है? कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट जब बनता है उसका एक विशेष गुण उसके साथ ही होता है जिससे उस वस्तु की पहचान होती है, उस विशेष गुण को उस वस्तु का धर्म कहते हैं। समझ में आई बात? चलो उदाहरण से समझते हैं। अग्नि, आग, आग का विशेष गुण क्या है? जलाना। अगर मैं उस जलाने वाले गुण को उसके अंदर से निकाल दूं तो क्या मैं उसको अग्नि कहूंगा? नहीं भाई, यहां पे कुछ है पर वो जला नहीं रही तो उसको अग्नि कहूंगा? नहीं, वो आग नहीं है। क्यों? तो किसी से क्या समझ में आता है? अग्नि का धर्म क्या है? जलाना। तो ये है धर्म शब्द। इसी धर्म शब्द को जब हम अपने साथ जोड़ते हैं तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं ममेर वांश जीव लोक जीव भूत सनातना, कि जीव मेरा ही अंश है और सनातन है। तो जब इस संसार में भी हम देखते हैं कि जो भी पुत्र पुत्री माता पिता के अंश हैं उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ड्यूटी, उसको क्या बोलते हैं कि करना ही करना है। क्या विधि है कि उसको अपने माता पिता की सेवा करनी है। तो परम माता पिता कौन है? वो भगवान है, हम उनके अंश हैं, तो हमें क्या करना होगा? उनकी सेवा करनी होगी। ये जो सेवा का गुण है यही जीव का धर्म है, यही जीव का धर्म है। तो धर्म का अर्थ क्या हुआ? भगवान की सेवा। हम प्राय देखना, इस चीज को समझना, हम सेवा कर रहे हैं कैसे पता चलेगा? नहीं, कैसे पता चलेगा कि जीव का गुण या जीव का धर्म सेवा है? कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा, अगर आप भगवान की सेवा नहीं कर रहे तो किसकी सेवा कर रहे हो? अपने स्कूटर की सेवा कर रहे हो, बेचारे को रोज मिलाते हो, अपने कुत्ते की सेवा कर रहे हो, अपने बरांडे की सेवा कर रहे हो, अपने घर की सेवा कर रहे हो। देखा है? तो ये सेवा का गुण हमारे अंदर ही है, ये धर्म है हमारा, पर किसके प्रति जाना चाहिए? भगवान के प्रति। तो इसीलिए इस धर्म को हमें अच्छे से जब तक हम पालन नहीं करेंगे, जो बात प्रभु जी कह रहे थे कि जीव प्रेम के लिए तड़प रहा है उसके बिना उसको संतुष्टि नहीं मिल रही है, आनंद नहीं मिल पा रहा है। तो ये ऐसा ही है कि जब तक हम इस धर्म को, भगवान सनातन है और जीव को भी भगवान ने क्या बताया भगवत गीता में कि वो भी सनातन है, तो इन दोनों के बीच में जो संबंध है, जो ये धर्म है सेवा का, ये भी क्या है? सनातन धर्म। ये ऐसे धर्म का नाम आया है, क्या? सनातन धर्म, जिसके बारे में भगवत भागवतम अन्य अन्य शास्त्र बता रहे हैं। कोई मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू ये जो नाम दे दिए हैं हमने, ये धर्म नहीं है। असली धर्म क्या है? ये सनातन धर्म है। और ये सनातन धर्म कलयुग के हिसाब से क्या लेता है, क्या शिक्षा दे रहा है? कि केवल और केवल नाम संकीर्तन। हम गौड़ियों का, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम गौड़ियों के उपासक कौन है? नाम संकीर्तन। भगवान इतनी करुणा करी हम पे, इतनी करुणा करी। सोचो सतयुग का धर्म क्या था? तपस्या करना। लाखों लाखों वर्ष की आयु थी और तपस्या करते थे, 60,000 साल, 70,000 साल। यहाँ पे अगर मैं किसी को कह दूंगा ना 5 मिनट के लिए पानी के बारे में मत सोचना, 5 मिनट तक आप पानी में ही डूबे रहोगे, ध्यान लगा ही नहीं सकते तो कैसे तपस्या करोगे इतनी बड़ी बड़ी। हाँ, त्रेता में क्या था? त्रेता में क्या था? यज्ञ। अब यहाँ पे सोचो क्या यज्ञ करा जा सकता है? न घी शुद्ध, न ब्राह्मण शुद्ध, न स्थान शुद्ध, आहुति देने के लिए कुछ भी सामान शुद्ध नहीं मिल रहा, तो कैसे यज्ञ कर पाएंगे? और आते हैं द्वापर में, द्वापर में अर्चा विग्रह। क्या अगर हम भगवान की अर्चना, ये सेवा करें विग्रह की, तो हमसे कोई ना कोई पक्का कोई ना कोई गलती होगी ही होगी। कभी ये त्रुटि कर देंगे, कोई मंत्र इधर से उधर हो जाएगा। हमें नहीं आते हैं, हम संस्कृत के पंडित नहीं है कि हर मंत्र कर पाएंगे। तो इसीलिए, और कलयुग में इतना पाप बढ़ गया है, इतनी अशुद्धि हो गई है, तो भगवान ने देखा कि एक सरल उपाय करता हूँ। भगवान स्वयं नाम रूप में अवतार लेकर आ गए, सारी की सारी शक्ति इस नाम में डाल दी, सारी की सारी शक्ति। नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है। जो कार्य भगवान कर सकते हैं वो ये नाम आराम से कर सकता है। और इस नाम को करने का कोई नियम है? महाराज जी ने हमें बताया, क्या कोई नियम बताया कि भाई नहा धो के, हाँ
शुद्ध होके सीधे कमर तान के अच्छे से बैठ के ऐसे नाम करो। क्या ऐसा कोई नियम बताया गया? ये क्या कहा कि अगर सुबह सुबह उठते ही नाम शुरू करो, खुला करने की भी जरूरत नहीं है, नाम कर लो। तो सोचो भगवान इतने दयालु होके आए मेरे जैसे कलियुगी जीव पे कि भाई तेरे लिए सारे नियम तियम छोड़े, क्योंकि तू नियम कर ही नहीं पाएगा। तो तू क्या कर, सरल रूप में क्या कर, इस नाम को जप। कलि संतरण उपनिषद में नारद जी देख रहे हैं, भविष्य देख सकते हैं वो, तो उन्होंने देखा, हे अपने पिताजी और अपने गुरु ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, अरे पिताश्री देखिए, मैं तो देख रहा हूँ कलयुग इतना भयंकर कलयुग आएगा, ऐसा कलयुग आएगा, पिता पुत्र का खून कर देगा, प्रॉपर्टी के लिए ये हो जाएगा, इतना सब कुछ कलेश कलह बढ़ जाएगा, ऐसे में जीव की शुद्धि होगी कैसे, वो भगवत प्राप्ति कैसे कर पाएगा, इतनी चिंता लगी हुई है उनको। तब ब्रह्मा जी ने उनको आश्वासन दिया कि देखो कलयुग में, फिर वो कलि संतन उपनिषद में ये मंत्र आया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्मा जी वहां से बता रहे हैं, बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। आधा बोलने कर आधा चुपचाप बैठे, राम राम हरे हरे। अगर जोर से जैसे छत उड़ जाए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 जोर से जयकार लगाओ, बोले श्री हरि नाम संकीर्तन। तो तब ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद जी को कि जो इस नाम प्रभु का आश्रय लेगा, भगवान उस पर पूर्ण कृपा करेंगे और इस नाम के माध्यम से ही वो भगवत प्राप्ति कर लेगा। तो क्या करना है, और महाराज जी बड़े सरल रूप से हमें नाम दे रहे हैं कि आओ। अब इस पे भी एक प्रश्न उठता है कि भाई नाम में जब शक्ति है तो मैं अपने घर में जाके बैठ के आराम से नाम कर सकता हूँ, मुझे किसी से लेने की जरूरत थोड़ी ना है। तो इसी में एक कथा आती है कि संत तुलसीदास जी का तो नाम हम सबने सुना ही है, रामायण लिखी है ना, तो वो कौन थे, परम राम भक्त थे। तो उनके बारे में पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैला हुआ था कि राम जी के परम भक्त हैं और इनकी कृपा से राम जी के दर्शन हो सकते हैं। और संत कैसे होते हैं, संत होता है बहता पानी, तो वो कभी इस स्थान रहते थे कभी उस स्थान, ऐसे ही करते करते वो एक बार एक राज्य में पहुंचे, तो वहां के राजा को खबर दी किसी ने कि ऐसा ऐसा बहुत बड़े संत आए हैं और वो संत राम जी के दर्शन करा देंगे आपको, आप तो राम भक्त हो ही हो तो आपको उनके पास जाना चाहिए, वो आपको राम जी के दर्शन करा देंगे। तो राजा ने जैसे ही सुना बस आ गया तैश में, बुलाए मंत्री संतरी, उठाओ थाले, भर दो हीरे मोतियों से उपहारों से और चलो संत के पास, और हम आज क्या करेंगे, राम जी के दर्शन करेंगे। पहुंचे संत के पास, तुलसीदास जी अपना नाम कर रहे हैं, बीच में आए, प्रणाम किया राजा ने। तुलसीदास जी ने कहा, राजन इतनी बड़ी सेना लेके आए हो, क्या बात है, क्या तुम्हारा कारण है कि तुम यहाँ उपस्थित हुए हो? तो राजन कहते, ऐसा है मैं ना राम भक्त हूँ और मैंने ऐसा सुना है कि आप राम जी के दर्शन करा सकते हो, तो बस मुझे राम जी के दर्शन करा दो। तुलसीदास जी हंसे मुस्कुराए, कहते बस उसके लिए इतना लाभ लश्कर लेकर आए हो? अरे सरल सी बात है, बस तुम ये राम नाम लो, बोलो सीताराम 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 सीताराम, बस और देखना तुम्हें राम जी सीताराम पूरे राम दरबार के दर्शन हो जाएंगे। राजा एक बार तो सोचा, अरे क्या बोल रहे हैं, बोला अरे संत जी मुझे राम जी के दर्शन करने हैं। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, दर्शन करने का तरीका यही है, जो नाम मैंने बोला अब तुम मेरे पीछे पीछे बोलो और यही नाम बोलते रहो, यही नाम साक्षात सीता राम नाम ही सीता देवी और राम जी के रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। अब राजा थोड़ा सा बिदक गया, कहते ये तो आप बेवकूफ बना रहे हो, ये सीता राम नाम तो मैं बचपन से ले रहा हूँ, मेरी माँ लेती थी, मेरी माँ के बाद मैं लेने लगा, मुझे तो आज तक दर्शन नहीं हुए। कहता नहीं ये नाम लोगे तभी होंगे। राजा को गुस्सा आ गया, कहते ये ढोंगी वोंगी है, ये नहीं करा सकता, इसका कुछ नहीं है, और सारे उपहार उठाओ चलो वापस। राजा चला गया अपने दरबार में वापस।
दो दिन के बाद तुलसीदास जी पहुंचे राजा के दरबार में और घुसते ही आए और चिल्लाए, सैनिकों इस राजा को बंदी बना लो। राजा पहले हंसा, यार हाँ ये जानता हूं मैं, इसको कल गए दो दिन पहले गए थे इसके पास, कोई संत वंत नहीं है, लगता थोड़ा सा दिमाग हिल गया है, कोई बात नहीं। तुलसीदास जी फिर बोले, सैनिकों तुम्हें सुनाई नहीं देता, मैंने जब बोला है इस राजा को बंदी बनाओ तो राजा को बंदी बनाओ, और दो बार फिर बोला कि राजा को बंदी बनाओ। अब तो गुस्सा आ गया राजा को, राजा कहता इतनी गुस्सा की सबके सामने आके मुझे ऐसा बोल रहे हो, सैनिकों। राजा ने बस इतना बोला था सैनिकों, सैनिकों ने उठा लिया तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी खूब जोर से ठहाका लगा के हंसे, वो कहते अरे ये हंस क्यों रहा, वाकई में पागल हो गया। तब राजा के जो मंत्री थे, जो राजपुरोहित थे, वो तो तुलसीदास जी की महिमा जानते थे, वो आए, राजा पक्का इसके पीछे एक कारण है, संत कोई भी कार्य बिना कारण नहीं करते हैं, पूछो जरा, ये आपको कुछ सिखाने आए हैं। तो राजा ने भी फिर थोड़ा सा नम्र हो गया कि राजपुरोहित ऐसा बोल रहे हैं, तो उनसे पूछा कि आप ऐसा कर क्यों रहे हो। तब उन्होंने समझाया, राजा देखो मैं चिल्लाता रहा कि सैनिकों इसको बंदी बना लो, इसको बंदी बना लो, इसको बंदी बना लो, एक भी सैनिक हिला नहीं, उल्टा मुझ पे हंस रहे थे, और तुमने पूरा सेंटेंस भी नहीं बोला, पूरा वाक्य नहीं बोला, सैनिक को ही कहा था, इन्होंने मुझे कंधे पे उठा लिया है, हाँ कि आप सीधा कारागार में फेंकेंगे। तो इससे पता चलता है कि जिसके पास वो शक्ति है, अथॉरिटी है, जब ऑथराइज्ड पर्सन जिसने उस चीज को, जिसके पास उसकी शक्ति है देने की और अनुभूति कराने की, जब वो व्यक्ति स्वयं उस चीज को सिद्ध करके अनुभूति करके जब आपको देता है, तो उस मंत्र से क्या होगा, साक्षात भगवान खींचे चले आएंगे, अपने प्रयास से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पथ क्या है, ये कृपा सिद्धि है, अपनी चेष्टा हमें इतनी ही करनी है कि ऐसे साधु संतों के चरणों में पड़े रहो। और इनका जो प्रथम आदेश है, देखना हमने भी अपने गुरुदेव का देखा, सबसे पहला आदेश गुरुदेव ने यही कहा कि बेटा ये लो हरिनाम की माला और हरिनाम करना। तो यही उन्होंने, यही हमें उपदेश देने आ रहे हैं, यही इस भागवतम ग्रंथ का सार है, यही खुशबू हम यहाँ से लेके जाएंगे, और इसी खुशबू को हम क्या करेंगे, इसी खुशबू में खुद नहाते रहेंगे और इसी खुशबू को हम फैलाते रहेंगे कि हरि नाम स्वयं भी इतने अच्छे से करेंगे और दूसरे को भी प्रेरणा देते रहेंगे कि इसी भगवान नाम को ही करना होगा, यही भगवान नाम हमें इस कलयुग में, इस मनुष्य योनि में हमें तार पाएगा, भगवत प्राप्ति कर पाएगा, और महाराज जी की कृपा, भगवान की कृपा हमारे पे बरसती रहेगी। वांछा कल्पतरु भेष्य कृपा सिंधु देवता पतिता नाम बलसे हरि नाम संकीर्तन की। हर जोर से लेकर बता, बलसे हरि नाम संकीर्तन की। जय जय श्री राम। कुछ कुछ भक्त लोग बोल रहे थे हम हरि नाम लेना चाहते हैं और मंत्र लेना चाहते हैं, जो लेना चाहते कल सवेरे 7 से लेकर 9 बजे के अंदर में अगर आओगे अब हरि नाम लेकर ही जाना। और जो पहले हरि नाम लिए हैं, कुछ भक्त तो लोग गोपाल मंत्र लेकर गए, उसको बाद में गोपाल मंत्र लेनी चाहिए, क्योंकि ये गोपाल मंत्र कृष्ण सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा नारद मारद श्री व्यास को दिया, इसी मंत्र के द्वारा ठाकुर जी को भोग लगता है, नहीं तो ठाकुर जी को भोग नहीं लग सकता है। इसलिए जो लोग पहले हरि नाम ले लिए हुए हो, अगर गोपाल मंत्र लेना चाहते हो कल सवेरे आप 7 से लेकर 9 बजे के अंदर में आप आ सकते हो, ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ देखो अभी हम लोग श्री गिरिराज जी कथा सुनेंगे, फिर कुछ अनाउंसमेंट होगी, फिर लास्ट में आज बिरज में होली रे रसिया, लास्ट में बड़ी सुंदर होली होगी, और जो बच्चियाँ कल नाच रही थी बड़ी सुंदर गोपियाँ बनी हैं और बड़ी सुंदर लीला दिखा करके होली में नृत्य करेंगे, ठीक है। बोले श्री होली के रसिया की, ठीक। हरे कृष्णा। हाँ बोले श्री गिरिराज महाराज की। यहाँ अतुल प्रभु जी है, अगर अतुल प्रभु जी हो तो आप स्टेज में आ जाए। देखो आज श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा है, ये गिरिराज गोवर्धन साधारण कोई पहाड़ नहीं, गिरिराज कौन कौन गए हो, कर कर सब के सब गए हो, कहती गिरिराज गोवर्धन है कौन और आए कहाँ से,
ये गर्ग संहिता की कथा है। एक दिन गोलोक वृंदावन में श्री किशोर और किशोर राधा कृष्ण दोनों बैठे हुए थे, आपस में चर्चा कर रहे थे ऐसे एक सुंदर स्थान हो जहाँ पर हर तरह का ऋतु बहती हो, हर तरह का फल फूल उपलब्ध हो, हर तरह का वहाँ पर चिड़िया, वहाँ पर कोयल और सुंदर मयूर हो, पृथ्वी का सबसे सुंदर स्थान हो। तब श्री राधा रानी अपना हृदय से ये श्री गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने प्रकट किए। बोले एक दिन कृष्ण राधा जी से बोले, बोले हे राधे ये मरते जगत में मैं जाना चाहता हूँ, तो मेरे साथ में चलोगी? बोले मैं नहीं जाती। बोले क्यों? बोले जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन नहीं, जहाँ पर यमुना नदी नहीं, जहाँ पर नंदगांव बरसाना नहीं, मैं वहां जाना नहीं चाहती। बोले हे राधे क्यों ये नहीं जाना चाहती हो? बोले वहां पर कुछ है ही नहीं। कृष्ण बोले मैं थोड़ी अकेला जाऊंगा, मेरे साथ में मेरे ग्वाल बाल चलेंगे, मेरे पिता माता भी चलेंगे, तुम अकेले नहीं, तेरे साथ में तेरी सखियां चलेंगे, तेरी पिता माता चलेंगे, और ये गोलोक वृंदावन में जो जो देख रहे ना, यमुना नदी और गिरिराज गोवर्धन और द्वादश उपवन, ये सब के सब चलेंगे। तब राधा रानी बोली फिर तो मैं चलती हूँ, इसलिए ये गिरिराज गोवर्धन आए कहाँ से? बोली ये गोलोक वृंदावन से ही ये सब के सब इसी मरते जगत में प्रकट हुए। इसलिए भगवान जब आते हैं वो अकेले नहीं आते, पूरा धाम को लेकर के ठाकुर जी इसी जगत में आते हैं। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। इसलिए श्री गिरिराज गोवर्धन जी कभी इसी मरते जगत में, कहते इनकी मैया की नाम है श्री धरा और पृथ्वी का नाम श्री द्रोणाचल पर्वत, ये पर्वत इनकी बेटे रूप में श्री गिरिराज गोवर्धन प्रकट हुए। जब गिरिराज प्रकट हुए सबके सब 33 करोड़ देवता स्वर्ग से पुष्पों को बौछार की और श्री गिरिराज गोवर्धन के उन्होंने जयकार दिया। बोले श्री गिरिराज बाबा की जय। बोले श्री गिरिराज गोवर्धन में ये तो द्रोणाचल पर्वत में सालमल द्वीप में ये प्रकट हुए, लेकिन ये वृंदावन में कैसे आ गए? इनकी दो कथाएं। जब भगवान राम माता सीता को उद्धार करने के लिए फूल बांधना चाहते हैं, इतने में श्री समुद्र ने कहा प्रभु आपके पास में दो बंदर है, नल और नील, इनको ऋषि का वरदान है, जो चीज को ये स्पर्श करेगा वो डूबेगा नहीं तैरेगा, आप बड़े बड़े पत्थर लाओ और ये दोनों को स्पर्श करा दो और हनुमान जी इसके ऊपर में राम का नाम लिख दे, फिर तो अपने आप फूल बंध जाएगी। अभी बंदर लोग बड़े बड़े पत्थर ला रहे थे और फूल बंध रहा था, हनुमान जी ने देखा जल्दी से जल्दी फूल बंध जाए, फिर माता सीता की जल्दी जल्दी उद्धार हो जाएगी। जब वह सालमल द्वीप में पहुंचे, देखो गिरिराज गोवर्धन, आप लोग गए ना गिरिराज, कितने बड़ा पर्वत है। पहले ही गिरिराज पर्वत की विवरण आती है, कहते ये 64 मील ऊंचाई थी, इसलिए इनका नाम गिरिराज, गिरिराज मतलब क्या, गिरियों में जो सबसे बड़े थे, लेकिन ये पुलस्त ऋषि के अभिशाप से धीरे 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 ये क्षय होते जा रहे हैं इस गिरिराज को वर्तन। इसलिए अभी श्री हनुमान जी जय श्री राम बोल करके पूरा पूरा उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने उठा लिया। जब आ रहे थे, जब वृंदावन में पहुंचे, अभी पुल बांधना समाप्त हो गया, भगवान राम ने आदेश दिया पुल बंध चुका है, पर्वत लाने का जरूरत नहीं, बोल दो सबके सब वहीं पर रख दे। जब गिरिराज को वहीं पर रखे, गिरिराज रोने लग गए, बोले मेरे को इतने दूर से लाए, अगर वहां तक जाता तो प्रभु राम की सेवा में, माता सीता की सेवा में तो लगता, मेरे को बीच में क्यों रुकवा दिया? हनुमान जी ने कहा कोई चिंता मत करो, वही राम ही द्वापर युग में श्याम बन करके आएंगे, अभी तो तुमको थोड़ी सी सेवा मिलता, भगवान कृष्ण तुम्हारी कंदरा कंदरा में कुंजो कुंजो में लीला करेंगे, गैया चरवाएंगे, जल विहार करेंगे और तुमको 7 दिन तक तुमको कनिष्ठ अंगुल को ऊपर में तुमको धारण करेंगे, कोई चिंता मत करो। ये एक कथा। इसकी दूसरी कथा आती है, एक पुलस्त ऋषि थे, एक दिन भ्रमण करते करते जब द्रोणाचल पर्वत में पहुंचे, ये रहते थे पहले काशी में, लेकिन काशी पहले मरुभूमि जैसे था, कोई नदी नहीं, कोई जंगल नहीं, संत लोग तो रहते थे वहां पर। एक दिन सालमल द्वीप में जब पहुंचे, गिरिराज गोवर्धन को देखा,
इनको द्रोणाचल पर्वत और श्री धरा आतिथ्य सत्कार की, बोले रिसीवर आपको कुछ चाहिए मांगो, बोले एक चीज दे सकते हो, बोले क्या, बोले तुम्हारी बेटे को दे दो। अगर आपके घर में कोई आए बोले बेटे दे दो, अब बेटे को दे दोगे? बोले ये कैसे ऋषि है, अपना बेटे को मांग रहे, अकेला बेटा, अभी देना नहीं चाहते, बात उन्होंने घुमा दिए। बोले भैया बेटा जाएगा कि नहीं उसको पूछ लो। बोले बेटा मेरे साथ में चलो। बोले क्यों? बोले वहां पर कोई सुंदर पर्वत नहीं, यहाँ पर सुंदर पर्वत, सुंदर झरना, नदी, तालाब, सरोवर, बड़ा सुंदर गिरिराज गोवर्धन। गिरिराज ने कहा मैं तो जा सकता हूँ लेकिन दो शर्त है। बोले क्या? बोले पहला नंबर मैं चल करके नहीं, मेरे को हाथ को ऊपर उठा कर लेना पड़ेगा। दूसरी शर्त है बीच में अगर कोई रोक दिया ना फिर मैं चलने वाला नहीं है। बोले कोई चिंता नहीं। इतने में श्री अगस्त ऋषि श्री गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने उठा ली। उठा करके जब उन्होंने पहुंचे जहां पर श्री गिरिराज गोवर्धन, इतने में गिरिराज गोवर्धन तो गोलोक वृंदावन से भगवान कृष्ण राधा जी की सेवा के लिए आए। ठाकुर जी से प्रार्थना किया, ठाकुर जी ये मेरे को काशी फांसी देने ले जा रहा है, क्योंकि ये काशी ये ब्रह्मवादियों का स्थान है, हैं? और मैं तो कह रहा आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ, अपना चरण में मुझे स्थान दो, मैं यही रहना चाहता हूँ। भगवान ऐसे माया फिराया, इतने जोर से लघु संख्या लगी और रोक नहीं पाए, गिरिराज गोवर्धन को रखे और लघु संख्या के लिए बैठे तो घंटे तक बैठे रहे। उसको बाद में जब हाथ पैर धो करके गिरिराज को उठाने के लिए गए, गिरिराज टस से मस भी नहीं हुए। बोले गिरिराज उठो। बोले आपने क्या शर्त किया था, मेरे को बीच में रखना नहीं, अपवित्र नहीं बनोगे, आप घंटे तक लघु संख्या करते रहे, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। पुलस्त ऋषि अभिशाप दे दिया। बोले जाओ, तेरे को मैं अभिशाप देता हूँ, हर पल पल में तुम खीण होते जाओगे और टुकड़े टुकड़े बन जाओगे। गिरिराज आप लोग गए ना, सब के सब टुकड़े टुकड़े बने हुए, और क्या देखोगे, धीरे धीरे गिरिराज नीचे चलते हुए जा रहा है। अगर जब घोर कलयुग आएगा, ये गंगा जमुना कोई नहीं रहेंगे और ये गिरिराज गोवर्धन भी नहीं रहेगा, घोर कलयुग आ जाएगा, मार मार खा हाँ, काट काट शुरू हो जाएगी। इसलिए जितने जल्दी हो ना भजन करो और इस संसार से चले जाओ, अगर दूसरा बार जन्म लोगे ना बड़ा दुख उठाना पड़ेगा। ठीक है, बोले श्री गिरिराज बाबा की। एक दिन इनके से बहुत सारी कथा है, एक दिन मैया जसोदा रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ चकाचक भोजन बना रही थी। इतने में कृष्ण बोले मैया मैया कहा बात है, कल क्या मेरी जन्म तिथि है? बोले नहीं नहीं। बोले दाऊ भैया की? बोले नहीं नहीं। बोले जा पिताजी को पास में जा, पिताजी को पूछो। कृष्ण जा करके नंद बाबा का गोद में बैठ गए, दाढ़ी पकड़ लिए। बोले बाबा बाबा ये मैया रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ इतने बढ़िया बढ़िया खाना क्यों बना रही है? बोले लाला हम श्री इंद्र का पूजा करेंगे। बोले बाबा ये इंद्र कौन होता है? बोले ये स्वर्ग का राजा है, हम सबके सब ग्वाला है, हमारे मूल धन ये गैया है, और ये उपयुक्त समय पर भारी वर्षा तक पर घास होती है, गैया घास खाते हैं, दूध देते हैं, दूध से जो कुछ मिठाई मक्खन जो कुछ बताए दूध से बनता है, यही हमारा मूल आहार है, इसलिए हम इंद्र पूजा करते हैं। बोले पिताजी ये जो इंद्र है ना ये एक आधिकारिक देवता, आधिकारिक मतलब है ये भी किसकी अधीन में रह रहे हैं, अगर आप कोई चीज इनसे मांगो ये नहीं दे सकते, इनके अपना गांड में कुछ नहीं। फिर ये भगवान से प्रार्थना करते हैं, अगर भगवान की आदेश हो फिर गिरिराज कुछ दे सकते, ये खुद कुछ नहीं दे सकते हैं। बोले पिताजी कब से ये गिरिराज पूजा कर रहे हो? बोले जब से होश आया। बोले कभी अपना आंखों से देखा खाते हुए? बोले नहीं। बोले पिताजी ये जो सामने गिरिराज देख रहे ना ये गिरिराज नहीं, ये साक्षात ब्रज की प्रकट देवता है, इनकी कृपा से हम ब्रजवास कर रहे हैं। ये मेघ जहाँ पर समुद्र है क्या समुद्र इंद्र पूजा करता है? वहां बारिश होती है। जहाँ जंगल है वो क्या जंगल पूजा करता है इंद्र को? जीव अपना कर्म का फल भोग करता है पिताजी, इसलिए ये मेघ आकर के टकराता है गिरिराज गोवर्धन में, टकरा करके बारिश ही होता है। बोले पिताजी ये जो ब्रज है ना ये साधारण भूमि नहीं, यहाँ के एक धूल कणा में इतने शक्ति कितने ऐसे इंद्र प्रकट कर सकता है, इसलिए रस खान कहता है कहते किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ
केशव की कलिकुंज कोटि कोटि काशी है, गोपिनी की द्वार पे है बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दासी है, स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे किया, जानते नहीं आके हम श्री वृंदावन वासी है। बोले पिताजी ये ब्रज कोई साधारण भूमि नहीं, इसलिए पिताजी ये गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो, अपना आंखों से दर्शन मिलेगा ठाकुर जी को, जो कुछ मांगोगे ये गिरिराज सब कुछ देगा। बोले लाला इन्हीं आंखों से देवता दर्शन हो जाएगा। बोले हाँ पिताजी, इन्हीं आंखों में से साक्षात गिरिराज प्रकट होकर के दर्शन देंगे। बोले भैया हमने कभी इन्हीं आंखों से देवता देखो ही ना, देवता दर्शन करके। बोले भैया जाओ ब्रज में ढिंडरा पिटवा दो, कल इंद्र पूजा नहीं, कल श्री गिरिराज गोवर्धन की हम पूजा करेंगे। बोले श्री गिरिराज बाबा की। अभी जितने ब्रजवासी थे ना, जो 2 किलो आटा की पूरी बनवाना चाहता था, बोले तो गिरिराज के ताए तो 5 किलो पूरी आटा की पूरी बनवाएंगे। जो 1 किलो सूजी की हलवा बना रहा था, बोले काजू किशमिश डाल करके हम तो 2 किलो हैं सूजी के हलवा बनवाएंगे। जो 1 किलो लड्डू बनना चाह रहा था बेसन का, बोले गिरिराज कर लेते हम तो 3 किलो बनाएंगे हैं। इसलिए जितने सारे ब्रजवासी चार तरह का चावल लाए, एक फीकी चावल, एक मीठा चावल, एक नमकीन और एक मटर पनीर। हम लोग कितने तरह का चावल लाए, कितने तरह का, और 2 तरह का कढ़ी लाए, एक राड कढ़ी और एक सुहागिनी कढ़ी। राड कढ़ी बगैर पकड़ के और सुहागिनी कढ़ी जिसमें पकड़े डाल कर बनाते हैं। 2 तरह का चूरमा बनवाए, एक हसना और एक रोना। हसना मतलब पतले में रखते ही जो खिल जाए, रोना मतलब जिसे घी टपकता है हैं। 15 तरह का तब पराठा बनवाए, गोभी की, आलू की, बथुआ की हैं, मूली की, 15 तरह का तब पराठा बनवाए। इसलिए और जलेबी, कितने तरह का, जितना तरह का ड्राई फ्रूट, जितने तरह का फल फूल हैं, इसलिए उसका नाम पड़ गया अन्नकूट। अन्नकूट का मतलब क्या, अन्न मतलब होता है अन्न और कूट मतलब होता है पर्वत। क्योंकि ब्रज में 365 गांव अभी भी देखोगे, तरली बरोली सही ऊंचा गांव नीचा गांव बरसाना चावट कोकिलावन, अभी भी ब्रज में देखोगे ना, अभी भी 365 गांव ब्रजमंडल में आती है। और 365 गांव से आए तो हम लोग कितना गांव से, एक ही गांव से, थोड़े कहाँ से आए, नोएडा से, और कितना क्या भर दिया देखो। अगर 365 गांव से आए तो फिर क्या होगा, पूरा गिरिराज गोवर्धन भर गया खाने खाने में। कृष्ण अपना हाथों से पंचामृत को तरह उन्होंने पुरुष सुक्त मंत्र बोल करके उन्होंने अभिषेक करवाया, अभिषेक करके गिरिराज की सुंदर उन्होंने श्रृंगार कराए। और जितने वहाँ खाना लाए थे सब में तुलसी पत्ता दे दिया, तुलसी पत्ता दे करके गिरिराज को पहले उन्होंने आह्वान करते एकदम पुष्पांजलि श्री गिरिराज आए नमः बोल करके चरण में उन्होंने फूल दिया, एकदम आसनम बोल करके आसन दिया, इधर तो पाद्यम बोल करके हाथ धोए। हाँ देखो इधर मेरे दर पे ध्यान देकर सुनो, ठाकुर को कैसे भोग लगानी चाहिए ये नियम है। घर में एक पंचपात्र रखना, आचमनी पात्र, ठीक है ना। जैसे एक व्यक्ति आए क्या करते हो, उनको चरण में फूल देते हो, आसन देते हो, हाथ धुलाते हो, फिर खाना देते हो। नियम है ठाकुर जी का जो भोग लगाओ, जो आचमनी पात्र से पहले पानी लेकर के एक और एक पात्र रखना, वहां पर एकदम पुष्पांजलि मतलब ठाकुर जी आपका चरण में हम फूल दे रहे, उसको बाद में ठाकुर जी को आचमन मतलब हाथ धोनी चाहिए, उसको बाद में ठाकुर जी को आसन दे करके फिर एकदम सैकृत नैवेद्य उपकरण श्री राधा कृष्णा ध्यान, मतलब घी को साथ में जितने तरह का उपकरण है ठाकुर जी आपका हम अर्पण कर रहे हैं। पहले ठाकुर जी को भोग लगाना, और देखो ध्यान देकर मेरे तरफ में देखो, जैसे ठाकुर जी को बोल करके फिर क्या करो, गोपाल मंत्र पढ़नी चाहिए। देखो जो आपको मैंने गोपाल मंत्र जिन जिन लोगों ने लिया है, सीधा हाथ को नीचे रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये गोपाल मंत्र से भोग लगनी चाहिए जिन लोगों ने लिए है। आपको मैंने बताया और एक बार बोल देता हूँ कि जो गोपाल मंत्र आपको दिया है उसको सीधा हाथ को नीचे रखना, उल्टा हाथ को यहाँ पर रख करके इस हाथ को ऐसे रखना, रख करके खाने के ऊपर में ये मंत्र को 10 बार बोलना, फिर जाकर के ठाकुर जी को भोग लगती है। ठाकुर जी इसी मंत्र से ही ठाकुर जी खाना खाते हैं।
और जिनके गले में तुलसी कंठी नहीं वो तो कुछ ठाकुर को भोग नहीं लगा सकते, ठाकुर को खाना भी वो बना नहीं सकते, उनका अधिकार नहीं, ठाकुर जी को भोग लगाने का बनाने का अधिकार नहीं, क्योंकि जो शरीर है ये पंचरचित ये अधम शरीर है। गोस्वामी जी कहते हैं अंदर में केवल टाटी पेशाब खून पी कर कुछ नहीं, आप देखना सवेरे उठो मुंह से भी बदबू निकलती है, नाक से भी निकलती है, आंखों से भी निकलती है, कान से भी निकलती है और नीचे से निकलती है, ये शरीर को अधम शरीरा, शरीर में पसीना आ जाए देखना शरीर से कितना खुशबू आती है। अभी वीट पार्लर में जाओ बढ़िया करे सर सज करके पूरा धूप में आ जाओ देखना 5 मिनट में शरीर से कैसे बदबू निकलती है। इसलिए ये अपवित्र शरीर से ठाकुर का सेवा नहीं होती है। इसलिए जब तक हम गुरु जी से गले में तुलसी की कंठी नहीं धारण करे तब तब ये शरीर ठाकुर का सेवा में नहीं लग सकती है। जैसे ठाकुर को भले ही जितना कुछ भोग लगाओ लेकिन उसमें तुलसी तल मत दो ठाकुर जी कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। उसी तरह जब तक हम गुरु जी से गले में कंठी नहीं पहने तब तक ये शरीर से भगवान की सेवा नहीं होती है। नियम है गला में कंठी पहननी चाहिए, इसलिए ठाकुर जी को ऐसे भोग लगानी चाहिए, ठीक है ना, गोपाल मंत्र पढ़ करके। अभी ठाकुर जी भोजन कर लिया, जैसे एक व्यक्ति भोजन करता है ध्यान देकर सुनो इतना करना घर में, उसके बाद उसको हाथ धुलाते हैं, इसलिए जो पंचपत्र आचमनी पात्र उससे पानी लेकर क्या करना, फिर ठाकुर जी के एकदम आचमनी में मतलब ठाकुर जी अब हाथ दो, अभी ठाकुर जी खा लिए फिर वो प्रसाद फिर गुरु जी को खिलानी चाहिए, फिर आचमनी पात्र से पानी लेकर एकदम महाप्रसाद, ये महाप्रसाद गुरु जी आप खाओ, सब सखियाँ खाओ, तुलसी देवी खाओ, सभी को देनी चाहिए, दे करके थोड़ी बाद में 2-3 मिनट अपना करके फिर उनका हाथ धुला। नियम है ऐसे ठाकुर जी को भोग लगानी चाहिए। इसलिए कृष्ण स्वयं सारे प्रसाद को ऊपर में तुलसी दल दे करके उनने गिरिराज को उनने बुला करके जब उनने प्रसाद अर्पण की इतने में श्री गिरिराज गोवर्धन विशाल रूप लेकर प्रकट हुए, सबके सब दर्शन कर रहे थे गिरिराज गोवर्धन को, हैं सबके सब गिरिराज बोल रहे थे हे ब्रजवासियों देखो मैं स्वयं श्री गिरिराज गोवर्धन हूँ। हाँ, आप लोग ध्यान देकर सुनिए गिरिराज क्या कहते हैं, बोले आज का दिन जो व्यक्ति मेरी ये गिरिराज पूजा में 1 अन्न का दाना केवल मेरे सेवा में दे दिया, आशीर्वाद देता हूँ किसी जीवन में घर में कभी अन्न वस्त्र कभी अभाव नहीं पड़ेगा, उसकी घर में माँ लक्ष्मी अन्नपूर्णा उसके घर में भरपूर रहेगी, ये गिरिराज स्वयं उन्होंने वरदान दिया। इसलिए आज का दिन कुछ भक्त लोगों ने प्रसाद दिए है, आज यहाँ प्रभु जी बैठे हैं और एक प्रभु जी कहाँ गए बाहर भी है, इसलिए आज इन लोगों ने प्रसाद दिया है गिरिराज गोवर्धन में आप सभी के लिए, इन्होंने प्रसाद की व्यवस्था की है। क्या नाम आपका प्रभु जी? शिव नारायण और नेत्रपाल अग्रवाल, ये दोनों भाई है, हैं ये इन लोगों ने आज गिरिराज की सेवा के लिए उन्होंने सभी की प्रसाद के लिए दोनों भाइयों ने व्यवस्था किया। इसलिए हम गिरिराज से प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी इनकी भंडारा हर समय भरपूर रहे, माँ अन्नपूर्णा की भंडारा में भरपूर रहे और हर साल ऐसे श्री गिरिराज की भोग लगाए और आप लोगों को सेवा करें, ठीक है ना। हाँ, और एक अनाउंस मैं करना चाहता हूँ, देखो हम लोग चाहते हैं ये नोएडा में हमारी एक स्थान हो जहाँ पर नित्य ठाकुर का कथा कीर्तन भजन पूजा हो, इसलिए हम लोगों ने कोशिश किया 12 सेक्टर में एक जगह लेकर के वहाँ मंदिर बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों का सहयोग मिले ना फिर जल्दी से जल्दी हमारी मंदिर बन जाएगी। हाँ, जल्दी जल्दी मंदिर बन जाएगी जिसमें आप लोग रोज आते रहोगे, जैसे यहाँ पर रोज कीर्तन कथा आनंद हो रही है वहाँ भी ऐसे आनंद कीर्तन होनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं, बोले हे उद्धव जी अगर मेरी कहीं मंदिर बन रही है, कि भागवत में उद्धव को कृष्ण कह रहे हैं, अगर उसमें केवल एक ईंट अगर कोई दे देता है मेरी मंदिर के लिए उसी के लिए मैं गोलोक वृंदावन में उसके लिए मैं राज महल बना देता हूँ, ये कृष्ण स्वयं कहते हैं। सुदामा जी ने 2 मिनट चिड़वा दिया ठाकुर जी, त्रिभुवन का राज्य दे दिया। इसलिए आप लोग से प्रार्थना है, आप लोगों ने हमारे अतुल अग्रवाल प्रभु जी बैठे और हमारे श्री जीत प्रभु जी बैठे हुए हैं, आप इन लोगों के साथ में कंटेक्ट करना और आपसे जो बन पड़े, हैं जो बन पड़े कुछ ना कुछ
वो मंदिर के लिए सहयोग करेगा तो अगली बार देखोगे ना, फिर तो मंदिर बन गया, फिर बढ़िया सा आप लोग आओगे कीर्तन करोगे। फिर मंदिर मतलब क्या, आश्रय मतलब होता है वो आश्रय है, हैं? आश्रय मतलब होता है जो आश्रय है। जब आप इच्छा करोगे तब आश्रय में आ सकते हो। जब इच्छा करोगे बच्चे का बर्थडे बनाओ, शादी का सालग्रह बनाओ, राधाष्टमी हो, जन्माष्टमी हो, नरसिंह चतुर्दशी, रामनवमी, खूब धूमधाम से कीर्तन हरि कथा जैसे यहाँ हो रही ना, हर समय बार महीना वहां पर जैसे कथा चलते रहे और वहां पर उत्सव होते रहे, ठीक है ना। इसलिए आप लोग कुछ ना कुछ मदद करना मंदिर के लिए। बोले श्री गिरिराज महाराज की। इसलिए गिरिराज गोवर्धन सबका आशीर्वाद दी और उन्होंने सबका चकाचक भोजन पाए। बोले चलो हम सबके सब मिल करके श्री गिरिराज गोवर्धन की हम परिक्रमा करेंगे। कृष्ण स्वयं ब्रजवासियों को लेकर के प्रभु परिक्रमा लगाए। बोले परिक्रमा कैसे किए, सबसे पहले कौन चल रहे थे, बोले जितने ब्राह्मण संत, उसको पीछे जितने गैया थे वो भी परिक्रमा कर रहे थे, और उनको पीछे जितने ब्रजवासी, और सबसे पीछे गोपियां चल रही थी, और सबके पीछे से राधा रानी चल रही थी। जब गिरिराज की परिक्रमा कर रहे थे, अभी राधा जी के मन में इच्छा हो रही थी क्या श्याम सुंदर आ करके थोड़ी सी मेरे को स्पर्श करेंगे, अगर वो सचमुच से मेरे प्रियतम है, मेरी मन की अगर भावना समझते हैं, श्याम सुंदर आ करके मेरे थोड़ा स्पर्श करें। अभी राधा जी के मन की भाव कृष्ण समझ गए। कृष्ण सोच रहे मैं कैसे राधा रानी के पीछे, मैं तो बीच में हूँ, मैं कैसे राधा जी को स्पर्श करूँ। उन्होंने एक बछड़े को मुंह पीछा करके उसको पूछ को उन्हें जोर से ऐंठ दिया। इतने में वो बछड़ा फुदकते हुए चला गया पीछे, और कृष्ण ये बछड़ा का बहाना बना करके सबसे पीछे गए और राधा रानी को स्पर्श कर दिया। स्पर्श करते ही राधा रानी का तो रोम रोम खिल उठा, प्रेम में गदगद हो गए। श्याम सुंदर मेरी मन की भावना समझ गए। फिर परिक्रमा हो रही थी, फिर राधा रानी सोच रही थी, बोले कृष्ण क्या कभी मेरे को एक बार दर्शन देंगे परिक्रमा करते करते। अभी कृष्ण उनकी मन की भावना समझ गए, बोले राधा जी की दर्शन दूं कैसे, मैं तो बीच में राधा रानी पीछे। इतने में कृष्ण ने क्या किया, अपना गैया चराना का जो लकुट थी वो लकुटी को उन्होंने जोर से ऊपर में फेंकी, और अपना बहादुरी को दिखा तो लिए कृष्ण छलांग लगाए। जब उन्हें लकुटी को पकड़ने के लिए छलांग लगाए, राधा रानी पीछे, और कृष्ण का दो आंख और राधा जी की दो आंख मिलकर के एक हो गया। ऐसे ही बड़े आनंद पूर्वक ब्रजवासी सबके सब गिरिराज परिक्रमा लगाए। इसलिए ये गिरिराज कितने महिमा क्यों कारण किया, बोले कारण है ये गिरिराज नहीं, ये स्वयं कृष्ण ही ये गिरिराज रूप में प्रकट हुए हैं। इनकी पूजा किसने करवाया, साधारण व्यक्ति नहीं, कृष्ण स्वयं पूजा करवाए। परिक्रमा किसने की, कृष्ण राधा जी को साथ में सारे ब्रजवासी मिलकर के गिरिराज परिक्रमा किए। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे जो व्यक्ति ये गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं ठाकुर जी उसको पीछे 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 चलते हैं, और जो मांगे है ना गिरिराज उसको सो दे देते हैं। इसलिए इनका एक नाम है सर्व अभिष्ट प्रदान श्री गिरिराज गोवर्धन। बोले श्री गिरिराज महाराज की। अभी हमारे श्री अतुल प्रभु जी, अग्रवाल प्रभु जी, अभी ये कथा में कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, आप लोगों ने हर तरह से सहयोग किया है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये भागवत कथा की इतनी महिमा, कितने महिमा, बोले श्रुत अनुपठित ध्यात आदृत वा अनुमोदित। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कहीं अगर भागवत कथा हो रही है, अगर कोई श्रवण किया उसको तो मंगल मंगल ही है, अगर कोई पढ़ा उसको मंगल ही मंगल है, अगर कुछ भी कोई नहीं कर पाए, अगर इतनी सी बात बोल दे भागवत कथा हो रही है, बहुत अच्छी बात है, कथा होनी चाहिए। अगर इतनी भी कोई बात बोल देना कहते वो व्यक्ति जितने बड़े से बड़े पापी क्यों नहीं हो, देवद्रोह विश्वद्रोह अगर क्यों नहीं किया हो, बोले सत्य पुनाति सद्धर्मम, उसी समय में ही सारे पाप नष्ट होकर के भगवत धाम को गमन करता है, अगर इतनी सी कोई बात बोल दे। और सुखदेव गोस्वामी कहते सत्य हृदय अवरुद्धते, अभी कथा में नहीं आए घर में बैठे हो, अगर इतनी सी इच्छा होगी मैं कथा सुनने जाऊंगी नहीं तो जाऊंगा, इतना सुनते ही भगवान उसके हृदय में ऐसे बंध जाते हैं, उसके हृदय से प्रभु निकल नहीं पाते हैं। इतने महिमा भागवत की,
इसलिए आप लोगों ने सबसे पहले सुने जब धुंधुकार जब प्रेतात्मा बन गया गोकर्ण ने उसको नाम पर पिंड दिया लेकिन घर में देखा फिर भूत बनकर बैठा हुआ। बोले तेरे नाम पर पिंड दिया तेरे को मुक्ति नहीं मिली। बोले भैया मैंने इतना पाप इतने पाप किया एक बार क्यों गया में मेरे नाम पर सौ बार भी पिंड दे मेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन जब सूर्य देवता को पूछे बोले कुछ भी करने का जरूरत नहीं केवल भागवत कथा सुना दो केवल भागवत कथा सुना दो इससे ही मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए जब उन्होंने भागवत कथा सुने वैकुंठ से विमान आया और बड़े सुंदर विष्णु दूत बन करके रथ में बैठे और उन्होंने सारे लोगों को पार करते हुए वैकुंठ गमन किए। मतलब है हम जितने बड़े से बड़े पापी क्यों नहीं हो एक बार अगर केवल इस भागवत कथा में आकर के बैठ जाओ सारे पाप समाप्त और भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भागवत की अनंत महिमा ये भागवत कथा की। अभी सब लोगों ने कुछ ना कुछ मदद की है। हमें श्री अतुल अग्रवाल प्रभु जी अभी इसी विषय पर आना समेत करेंगे। श्री अतुल अग्रवाल जी हाँ देखो इसी अनास के बाद में ना हमारे बच्चों ने बड़ी सुंदर होली खेली थी। कल जो बच्चों ने बड़ी सुंदर लीला दिखा रही थी एक छोटी सी होली का उन्होंने कोई नाटक दिखाएंगे बड़ी सुंदर होली खेलेगी। उनको बोल दो सब रेडी होकर आ जाकर यहाँ बैठ जाए ध्यान से ना तभी बिल्कुल ले आओ यहाँ पर बैठा जा ठीक हो के बाद में अब थोड़ी सी ना थोड़ी सी पीछे हट जाना आप लोग थोड़ी थोड़ी सभी लोग बोलिए मेरे साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे बोले गुरुजी महाराज की जय वेदांत श्रीधर महाराज की जय। बोल तो मैं रहा हूं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए कहा गया है मुझे लेकिन जो भी भागवत कथा में सुना उसी के आशीर्वाद से बोल पा रहा हूं। ये आप सभी लोगों ने सात दिन यहां आके इतनी गर्मी में इतने उमस के माहौल में ये कथा सुनी इस कथा के आयोजन के पीछे बहुत सारे लोगों ने काम किया है बहुत बड़ी टीम काम करती है बहुत सारे दानदाताओं का सहयोग मिलता है बहुत सारे अथॉरिटीज का सहयोग मिलता है तो मैं उन सभी का एक एक करके धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसी श्रृंखला में सबसे पहले आपने देखा होगा कि जब हम घुसते हैं यहाँ इस कम्युनिटी सेंटर में घुसते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं सबसे पहला काम जो शरीर की गंदगी जूता जो हमारे पैर का है जिसको हम छूना भी नहीं चाहते हैं उस जूते को सबसे पहले हम जूता स्टॉल पे देते हैं। ये सेवा पता है ये किसने चुनी थी ये सेवा जूते की सेवा किसने सुनी थी भगवान कृष्ण ने चुनी थी। कब राष्ट्रीय यज्ञ जब हुआ युधिष्ठिर महाराज का तो भगवान ने कहा जितने भी संत आएंगे उनके जूते मैं उतारूंगा मैं उनके पैर धोऊंगा। तो ये आसान सेवा नहीं है तो जिन प्रभु जी ने जिस टीम ने इस जूते की सेवा को लिया आप सभी लोगों के जूतों को हाथों से उठा उठा कर और रात के 10 बज जाएं 11 बज जाएं 12 बज जाएं तब तक आप लोगों को वापस दिया है ऐसी टीम के लिए जोरदार तालियां बजाकर उनका उत्साह वर्धन करें हमारा उनके चरणों में नमन। उसके बाद जो कथा के बाद हम लोगों को गर्मा गर्म प्रसाद मिलता है वो प्रसाद मिलने में तो भले ही 15 मिनट लगते हैं लेकिन उसकी तैयारी वो आसान काम नहीं है। प्रसाद की जो टीम है पहले दिन रात को बैठ के व्यवस्था करती है सुबह क्या लाना है सुबह उठते ही सब्जी मंडी में एक दूध वाले के यहाँ एक पनीर वाले के यहाँ और पूरे दिन इस तरीके से जब वो तैयारी होती है और इतनी गर्मी में अग्नि के सामने जब बैठ के तो हमारे हलवाई भाई लोग जो बनाते हैं उसके बाद हम प्रसाद पा पाते हैं और वो प्रसाद क्योंकि भगवान को भोग लगने के बाद मोह लगता तो भगवान को भोग लग के हम लोगों को मिलता है तो उसका मोह ऐसा हो जाता है कि फिर बार 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 और प्रसाद और कथा और प्रसाद और कथा। तो ऐसी प्रसाद बनाने वाली जो टीम है हमारे राम सेवक हलवाई जी हैं वो टीम लगातार कई सालों से हमारे साथ ही काम कर रही है
आप जोरदार तालियां बजाकर उनका उत्साह वर्धन कीजिए। कितने ही लोग आ रहे हैं इस टीम में, कभी 500, 700, 1000, 1200, कितने भी लोग आ गए। अक्षय पात्र जैसे द्रौपदी का, वैसे ही इस टीम ने बहुत सेवा करी है। इसके अलावा जैसे ही आप यहाँ घुसते हैं, तो जब हम चलते हैं ना, तो जनरली झाड़ के और चल देते हैं, पीछे देखते भी नहीं गंदगी की तरफ पहुँचे। लेकिन एक टीम है जो फिर से उसी गंदगी को उठाने में लगती है, उसी गंदगी को सफाई करती है, ताकि अगले दिन जो परिवेश मिले आप लोगों को दूसरे दिन कथा का, वो बिल्कुल एकदम भक्ति में मिले, पूरा सांस मिले। तो ऐसे जो हमारे यहाँ के कम्युनिटी सेंटर के स्वीपर हैं और जो अन्य अन्य सफाई की टीम के हैं, उनके लिए जोरदार ताली बजाए। ये ऐसा काम है जो कोई नहीं करना चाहता। इसके अलावा हम उन सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने किसी भी रूप से अपनी मेहनत की कमाई में से भगवान की सेवा में 1 रुपया भी दिया, 1000 रुपया दिया या कितना भी रुपया दिया, वो द्रव्य जो है वो आपका पवित्र हो गया। भगवान की सेवा में लगा हुआ एक भी पैसा, वो भी भागवत कथा के माध्यम से, उससे ज्यादा पवित्र नहीं हो सकता। इस संसार में अगर सबसे कोई कठिन वस्तु है तो अपनी कमाई की वस्तु किसी को दे देना, और वो भगवान की सेवा में दी। तो ऐसे भक्तों के चरणों में हमारा बार बार प्रणाम। और उस द्रव्य को लाने के लिए भी एक कलेक्शन टीम लगती है, ठीक है, जो जा जाके सब लोगों के साथ मांगती है। सब लोगों के पास किसी ने 1 रुपया, किसी ने 5 रुपया, किसी ने 11 रुपया, सबसे मांग मांग के प्रभु जी भागवत कथा के लिए सहयोग कीजिए। तो उस कलेक्शन टीम के लिए जोरदार तालियां बजाइए। मेरे पास पूरा रजिस्टर भरा हुआ है, मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता। मास्टर जी हमारे, यदुनंदन जी, अनुराधा माता जी, कितने ही लोग हैं, सभी लोगों के लिए जोरदार ताली बजाइए। बाहर भी बजाइए, इस टीम के लिए जरूर बजाइए। इसके अलावा जो इतनी सुंदर व्यवस्था है यहाँ पर बैठने की, यहाँ गद्दे बिछे हुए हैं, हर बार एक नई चीज देखते हैं। हमारे ब्रजेश भाई हैं टेंट वाले, ये हर बार नई व्यवस्था करते हैं, कभी कारपेट नए, इस बार इन्होंने ये गद्दे का नया आयोजन किया है। बाहर इतनी चेयर लगी हुई है, ये लाइटिंग हर बार नई होती है। जो हमारी ये टेंट और लाइट की व्यवस्था करते हैं ब्रजेश भाई साहब टेंट वाले, इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। हर साल ये लोग अशोक नगर में कथा करवाते हैं, वहाँ पर भी बड़े सुंदर व्यवस्था करते हैं। केवल कथा सुनते नहीं, लेकिन इनकी मैया बैठी हुई, उनको भैया, हाँ, दिन भर ये सेवा में लगोगी। जब सबके सब चले जाते हैं, साफ करना सारा दिन, इनका जो बड़ा बेटा सारा दिन रह करके सारा दिन ये सेवा करते हैं। इनका जो परिवार है, हर साल अपना खर्चा करके इधर उधर से हर साल भी ये कथा करवाते हैं पूरा परिवार, और पूरा गुरु जी की शरण में आए और हर तरह से ये लोग सेवा करते हैं। इनके पिता बड़े भाई साहब विपिन, ये बीच वाले ब्रजेश, और छोटे भाई का मुझे नाम नहीं पता, ये बहुत ही सेवा करता है परिवार, और इनकी पत्नी दीप्ति वगैरह सभी लोग बहुत लोग सहयोग करते हैं। इसके अलावा कोई भी कथा तभी अच्छी है जब वो कान तक पहुंचे, और कान तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ा ये सिस्टम चाहिए होता है, साउंड सिस्टम। तो ये साउंड टीम के लिए जोरदार ताली बजाइए, उन्होंने भी लगातार करके ये कथा आप तक पहुंचाई है। बाहर स्क्रीन की व्यवस्था की हुई है, क्योंकि कुछ लोग जो अंदर नहीं आ पाते हैं, हॉल तो इस बार तो पहले दिन से फुल चल रहा है, तो बाहर भी स्क्रीन की व्यवस्था जो करी है, वो टीम ने भी भाग भाग के स्क्रीन वाले भाई साहब हमारे, कभी बारिश में उसे बंद किया, फिर बारिश खत्म हो गई फिर चलाया। तो ऐसी स्क्रीन वाली जो टीम है हमारी, उसके लिए तालियां बजाकर उनका धन्यवाद करें, उत्साह बढ़ाएं, और अगली बार वो और भी अच्छी व्यवस्था के साथ आए, ऐसी हमारी अपेक्षा है। बाहर जो पानी की व्यवस्था थी, इतने दिन लगातार आप लोगों ने देखा होगा कितने वाटर के वो रखे रहते थे, कैंपर्स जग रखे रहते थे, तो पानी की हमारे अग्रवाल प्रभु की तरफ से, तो पानी की जो व्यवस्था करने के लिए भी एक टीम थी। एक तो सप्लाई तो है ही है, लेकिन उसको वितरण की व्यवस्था करने के लिए टीम है, तो उस टीम के लिए भी जोरदार ताली बजाएं। ये हमारे ये छोटी छोटी बच्चियों ने बहुत सुंदर सुंदर झांकियां प्रस्तुत करी, कई बार कथाओं में आप लोगों ने देखा होगा। उसके अलावा जन्माष्टमी वाले दिन भी झांकी के कितने कार्यक्रम हुए, नृत्य नाटिकाएं हुए, तो ये वो हमारी माता जी हैं, उनके निर्देशन में हो पाता है ये सब। तो इन बच्चों के लिए और हमारी माता मंजू दीदी ठीक है। इसके अलावा ये जो हॉल है हम लोगों को,
यहाँ की RWA हर साल उपलब्ध कराती है। इतना सहयोग मिलता है इस RWA का हम आप लोगों को बता नहीं सकते हैं। हमें खुद बुला के कह देते हैं कि प्रभु जी आ जाओ और बुक कर लो हमारे से जल्दी, ताकि हमसे कोई और बुक ना करा ले। तो RWA के सभी जो जितने भी पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष महोदय, सेक्रेटरी महोदय, सभी के लिए जोरदार तालियां, हमारा उनको हृदय से धन्यवाद। इसी प्रकार अगर उन लोगों को हमें सहयोग मिलता रहे तो और भी बड़े स्तर पर हम बार बार कथा करते रहे। आप लोगों ने देखा होगा कई सालों में कितना चेंजेस हो गया है इस कम्युनिटी सेंटर हॉल में। बाहर फ्लोर भी पूरा हो गया है, प्रसाद वाला हॉल एकदम पक्का ग्रेनाइट का, ऊपर से शीटिंग लग गई है, अब तो बारिश में भी दिक्कत नहीं होती प्रसाद बांटने के लिए। इसके अलावा कोई भी कथा कब सफल है बता सकता है कोई सीक्रेट? कथा कब सफल है? ये देखो, ये वाली भाई जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो श्रोता अगर सही होगा तभी जो कथावाचक होगा उसको कथा कहने में आनंद आएगा। ठीक है, कथा तो अपने आप में हरी कथा है, भगवान की कथा है, उसमें तो आनंद है ही है, लेकिन उसको ग्रहण करने के लिए अच्छे श्रोता भी चाहिए। तो आप जितने श्रद्धालु भक्त जन भर भर के पहले दिन से, जैसे मैंने कहा और इस बार पूरे दिन हर बार फुलल रहा, बाहर भी बहुत संख्या में रहे, कलश यात्रा में भर भर के, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में, जन्माष्टमी के उत्सव में, नंदोत्सव के उत्सव में आप सभी लोगों ने बहुत मन से कथा सुनी, तो एक बार अपने लिए भी जोर जोर से ताली बजाएं। जो कथा है उसको उसका आनंद कब आता है? जब बीच बीच में प्रभु जी कीर्तन करते हैं। तो कीर्तन करने के लिए आपने देखा होगा हमारे ये वाले प्रभु जी तो अब हर साल ही हमारे इतना हर बार नया प्रस्तुति करते हैं। तो जो पूरी कीर्तन मंडली हमारी स्टेज पे बैठी है, श्याम सुंदर प्रभु, संजीत प्रभु, महेश्वर प्रभु, आज बिटिया नहीं आई है, और पीछे तीनों, इन सभी के लिए जोरदार ताली बजाएं। इनका इतना रसमय भक्तिमय कीर्तन होता था, और स्पेशली बांके बिहारी जी की आरती तो प्रभु जी आपने इतनी सुंदर गाई है, हर दिन इतनी सुंदर गाई है, मैं देखता था हर कोई नाच रहा है। तो एक बार जोर से ताली बजाइए, फिर से बजाइए। हमारे दामोदर प्रभु और रवि प्रभु, आप लोगों ने देखा होगा ये कंटिन्यूअस खड़े रहते हैं वहाँ, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। कितने कितने लोग अपने ठाकुर जी को लाते हैं, उन ठाकुर जी को बिठाना, उनका ध्यान रखना, भगवान का भोग लगाना, पूरा जब तक भागवत कथा रहती है तो दामोदर प्रभु और रवि और अन्य अन्य जो है, मैं सबका नाम लेना यहाँ पर इस समय संभव नहीं है, सब 26 घंटा यही रहती है, वो घर में गई नहीं, 7 दिन से घर ही नहीं गई, वो यही पर रहते, सारे सेवा करते हैं ठाकुर जी की सेवा में 7 दिन यही रह रहे। तो आप जोरदार ताली बजाइए, इन लोगों ने बहुत ठाकुर जी की सेवा करी है, किसी जीवन में हम सभी को भी प्रेरणा मिले कि थोड़ी भी भगवान की हम सेवा कर पाए। इसके अलावा हमें सानिध्य मिला हमारे द्विज प्रभु का, वो भी हमारे साथ कथा में शामिल हुए, उनको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। मनमोहन प्रभु आज हमारे बीच में है, रोहिणी प्रभु है, मधुखंड प्रभु है, वृंदावन से आए आज ये कथा के लिए, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजाएं इनके लिए भी। इसके अलावा आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जो हैं हमारे, छोटे छोटे बच्चे का कितना सेवा में लगे रहते हैं। यहाँ पर मैं तो नाम नहीं, एक बैठा और पता नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं, आप लोग ये लोग घर ही नहीं गए, मैं देखता था यही पर दिन भर हमारे साथ में सारे सेवा दिन भर करते रहे, सारे भाग दौड़ करके, छोटे छोटे बच्चे, टीम बहुत बढ़िया टीम है इनकी, छोटे छोटे बच्चियों का, इसलिए आप इनके लिए भी खूब जोर जोर। आप देखिए कैसे जीवन का परिवर्तन करती है कथा। ये बच्चे भी हम आप लोगों के गृहस्थ परिवारों में से हैं, लेकिन कथा ने गुरु महाराज जी के मुंह से जब इन लोगों ने कथा सुनी, ऐसा जुड़े हैं, इतनी सेवा करते हैं, आप और हम तो यहाँ से प्रसाद लेके चले जाते हैं रात को 12 बजे, जब सब लोग प्रसाद ले लेते हैं तब ये बच्चे प्रसाद लेते हैं और वापस उस जगह को फिर साफ करके उठते हैं। कल तो मैं करना चाह रहा था तब भी नहीं करने दी लोगों ने, जोरदार ताली बजाइए स्पेशली बच्चों के लिए, वो प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए हम सब लोगों के लिए कि कैसे भगवान की भक्ति कर सकते हैं और कुछ छोड़ा नहीं, कभी भी अपने सभी जो नियमित काम है वो करते रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और लोग हैं जिन्होंने हम लोगों को सहयोग किया है इस पूरे कार्यक्रम में, मैं सब लोगों का नाम ले पा नहीं रहा हूँ, मेरे पास भी लिखा हुआ 4-5-6 पेज का है, लेकिन फिर भी उन सभी के चरणों में हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमन, उन्होंने किसी भी प्रकार से हमारी सहायता की है। इसके अलावा हाँ, एक चीज़ जो जरूर मैं कहना चाहूँगा, बहुत सारी जो दीदी माताएँ हैं, मैंने खुद देखा है उसको, तो
रात को 12 बजे तक, 12:30 बजे तक ऊपर बैठ के महाराज जी के लिए प्रसाद बनाती हैं। ऊपर बैठ बैठ के बहुत सारी दीदियां अपने घर से अलग अलग चीज लेकर आई हैं इस गर्मी में भी, और जब सबने ले लिया तब उन लोगों ने प्रसाद पाया है। तो उन सभी दीदियों के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। पहाड़ी माता जी, विपिन प्रभु जी की मैया, याद नहीं आ रही, और सच्ची माता जी, और कुछ कुछ हाँ, उसके अनिरुद्ध की मम्मी, अनिरुद्ध की मम्मी, और कौन है, इन लोगों ने रोज रोज घर से प्रसाद बना बना करके हाँ यही पर ले आती, रात को हम लोगों को खिला करके फेरी सो जाती है सबको। और बहुत सारे माताओं ने, भक्तों ने महाराज जी को अपने घर बुला बुला कर भी प्रसाद कराया, अपने घर में भगवान का कीर्तन करवाया। वो आसान काम नहीं है क्योंकि पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है उसके लिए, अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों को बुलवाया। तो उन सभी के चरणों में बार बार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसी कीर्तन कथा कराएं कि नोएडा का हर घर मठ बन जाए। अब कथा तो आज शेष हो रही है, यहाँ पर विश्राम करेगी कथा, और उसके बाद RWA का हॉल वापस RWA के पास, साउंड का सिस्टम साउंड वाले भैया के पास, टेंट का सिस्टम टेंट वाले के पास। अब आप सोचिए कथा का महत्व तो देखिए, यही हॉल, यही साउंड सिस्टम, यही सब कुछ, लेकिन क्या आपका मन वैसा ही करेगा यहाँ आने का? नहीं करेगा। किसकी वजह से? इस भागवत कथा और महाराज जी की वजह से। महाराज जी ने अपनी कथा के माध्यम से इन सभी निर्जीव वस्तुओं में जैसे जान डाल दी, और ये खुद बढ़ बढ़ के भगवान की सेवा में ये चीजें आगे आ रही हैं। तो ऐसे महाराज जी के चरणों में हमारा बार बार प्रणाम, हमारी कोई भूल चूक हो गई हो तो हमारी उससे क्षमा प्रार्थना। जैसे गंगा जी के जल से ही गंगा जी की पूजा की जाती है, ऐसे महाराज जी आपसे जो कथा सुनी उससे जो हृदय में प्रेरणा आई उसी से आपको बार बार नमस्कार। हाँ देखो मेरे को सबके सब अपना हृदय से आशीर्वाद दो, ठीक है ना, ये आशीर्वाद देना। जैसे सारा जीवन साधु संतों की सेवा कर पाऊँ और आप लोगों को मैं सेवा कर पाऊँ, ऊपर से नहीं अपना हृदय से मेरे को आशीर्वाद दो, ठीक है, सबके सब हृदय से मेरे को आशीर्वाद दो। देखो ये देखो साधु का प्रेम, देखो इतना सब कुछ देने के बाद भी वो हमसे क्या मांग रहे हैं। इसे कहते हैं भगवान जब कृपा करते हैं तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किसी को पता है? बताओ, कोई तो हाथ उठाओ, इतनी कथा सुनते हैं। भगवान जब कृपा करते हैं तो साधु से मिला देते हैं, और वही क्षण समझो उसी क्षण भगवान आपको मिल गए। आपको अब कुछ भी नहीं करना है, साधु का आचरण जो हो उसको जैसे जैसे वो बताते जाएं वैसे वैसे करते जाइए। आपने देखा महाराज जी ने हर दिन डेली क्या करना चाहिए, कैसे हरिनाम करना चाहिए, कैसे भोग लगाना चाहिए, अभी भी हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा सिखाया हम लोगों को। उनका प्रयास सिर्फ ये है कि किसी प्रकार से हम भगवान से जुड़े, जीव का कल्याण हो, भगवान की तरफ प्रेरित हो, और ना हम केवल प्रेरित हो अपने परिवार, अपने बच्चों, आगे वाले सभी लोगों के लिए प्रेरित करें। महाराज जी की खुद की तबीयत खराब है, कितनी ज्यादा तबीयत खराब हुई बीच में तो एक दिन तो, लेकिन फिर भी वो लगातार एक बार भी उन्होंने महसूस नहीं होने दिया की तबीयत खराब है। तो महाराज जी के चरणों में बार बार प्रणाम, आप जोरदार ताली बजाकर महाराज जी का कोई धन्यवाद तो कर नहीं सकते हम, लेकिन ये है कि जो भूल चूक हुई है उनके लिए हम माफी मांग सकते हैं। जैसे तीर्थ में जाओ ना तो तीर्थ क्या करता है, जितने पाप इकट्ठे करे फिर हम धो आते हैं, फिर दोबारा से फिर हम वापस आके गृहस्थ जीवन में फिर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा पाप करने लगा। तो साधु अपने आशीर्वाद से ऐसे ही बार बार हमको वो जो मैल है हमारा इस कथा के माध्यम से धोने चले जाते हैं। तो महाराज जी के चरणों में बार बार प्रणाम कि वो कथा रूपी है जो मंदाकिनी है जो 7-7 दिन बहाई उन्होंने, उस रस से हम लोग फिर से पवित्र हों और अपने जीवन में आचरण करें, यही हमारा महाराज जी से आशीर्वाद की अपेक्षा है। बहुत सारे दानदाताओं ने, बहुत सारे सहयोगियों ने हर दिन अलग अलग दिन प्रसाद की व्यवस्था करी है, आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, और हमारी अपेक्षा यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को इसमें सहयोग करने का अवसर मिले। पर कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत लोग हमारे पास आके करना चाहते हैं तो किसी ना किसी वजह से हम किसी और ना किसी रूप में उनको सम्मिलित करते हैं,
तो आज के जो हमारे प्रसाद की व्यवस्था है ये हमारे श्रीमान नेत्रपाल अग्रवाल जी जो महाराजा अग्रसेन स्कूल खोड़ा में चलता है उसके अध्यक्ष हैं और उसके प्रधानाचार्य जी भी हैं, इनके परिवार की ओर से दी गई है। इनके साथ ही श्रीमान शिव नारायण अग्रवाल जी जो कि अर्चना बिल्डर्स खोड़ा वाले हैं, उन्होंने सातों दिन पानी की व्यवस्था करी है। और श्रीमान ऋषि गुप्ता जी खोड़ा में पराठे वाले के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, इन सभी परिवारों ने की है। आप लोग जोरदार ताली बजाएं, इन लोगों ने आज गोवर्धन गिरिराज महाराज का प्रसाद की व्यवस्था करी है। आप सभी लोगों को ताली सभी लोग बजाओ। इसके अलावा जो प्रसाद में आज सहयोग किया है श्रीमान ओम प्रकाश अग्रवाल, श्री दिनेश चंद्र जी अग्रवाल, सरन बिहारी जी अग्रवाल और श्री बेनी प्रसाद अग्रवाल जी के परिवार ने सहयोग किया है। RWA सेक्टर 55 से श्रीमान भारद्वाज जी और श्री एस के बंसल जी ने भी आज के परिवार में बहुत सहयोग, आज के प्रसाद में बहुत सहयोग किया है। तो अभी थोड़ा कीर्तन होगा, नृत्य नाटिका होगी, उसके बाद भगवान की आरती होगी। तो आरती में श्रीमान शिवनारायण अग्रवाल जी, नेत्रपाल जी, ऋषि गुप्ता जी और श्री भारद्वाज जी और बंसल जी अगर हैं यहाँ पर, तो आप सभी लोगों से हमारी प्रार्थना है कि आगे आए और आगे आकर पहले ये लोग भगवान की आरती करेंगे, भागवत जी की आरती करेंगे, उसके बाद आप लोग आगे आ सकते हैं। थोड़ी सी व्यवस्था, जैसे आप लोगों ने अब हमें पिछले दो दिनों से बहुत ही सहयोग किया, मेरी फिर से प्रार्थना आज, क्योंकि आप थोड़ी सी भीड़ ज्यादा है, आज जरा सा और सहयोग कीजिएगा। बस आज तो लास्ट डे है, लाइन से प्रसाद लीजिएगा, 15-20 मिनट से ज्यादा बिल्कुल नहीं लगेगा, हम आपको फुल गारंटी दे रहे हैं। और व्यवस्था बनाने के लिए इन सातों दिन में अगर किसी से भी जोर से कुछ बात कह दी गई हो या किसी को कुछ बुरा लगा हो तो पूरी टीम की तरफ से मैं आपसे माफी। हरे कृष्णा। श्री सुखदेव गुप्ता और श्री संजीव गुप्ता इन लोग भी रथ यात्रा में बहुत रूप में सहयोग दिया है। ठाकुर जी इन सब को पर में भी कृपा करने के लिए जोरदार ताली हुआ। हाँ देखो, इसी कथा में हमारे श्री जीत प्रभु और श्री हमारे श्री अतुल अग्रवाल प्रभु जी, इन लोगों ने सामने तो दिखाई नहीं पड़े लेकिन पीछे से इन लोगों ने सब कुछ किया है। आप सोच नहीं सकते हैं इन लोगों ने इतने अक्लांत परिश्रम किया है कैसे ये भागवत कथा सक्सेसफुल हो। हर तरह से दिन भर बिजी रह करके हर तरह से इन लोगों ने सेवा किया, ये ठाकुर जानते हैं और मैं थोड़ी बहुत तो मैं जानता हूँ। इन लोगों ने, ये दोनों ने अपना नाम तो उन्होंने नहीं बुलाया लेकिन इसमें संपूर्ण रूप में इन लोगों का सहयोग है। इसलिए मैं गुरु जी के चरण में, ठाकुर जी के चरण में, गिरिराज जी के चरण में प्रार्थना करता हूँ कि दोनों को करें, ठाकुर जी खूब आशीर्वाद करें, ये खूब गुरु वैष्णव का सेवा करे और खूब भक्तों की सेवा करे और भगवान की भक्ति करते हुए जीवन में सुख प्राप्त करे। अभी ये बच्चों ने आज होली का एक नाटक करवाइए। माता जी का क्या नाम है? माता जी आप बड़े करो, सुन करो, आ जाओ सामने आ जाओ। माता थोड़ी सी थोड़ी ऊँचे हो जाओ, थोड़ी सी थोड़ी। हाँ, जिन लोगों का मैंने नाम ली है अब लोग आरती का समय में सामने आकर के ठाकुर जी आरती करें। बोलो। ठीक है भाई, घटना प्रभु वही सही है, वही सही आएगी। आएगी गर्मी बहुत हो रही है आज, धीरे से चलना रहे आज। जूम भी नहीं होता इसमें, तो लाइव चल रही है ना। गद्दे इसलिए इतने पीछे बिछवाए थे, थोड़ा स्पेस बना रहे। लो पर वो लो पड़ेगा,
विजय प्रभु की जय। देखो ना
Thank you.
Thank you.
We'll be right back.
प्रसाद के लिए व्यवस्था की है ये पकड़ो ये चीज भगवान की है आरती पापियों पर पाप से है भगवान